नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि विजन IAS संस्थान के ओर से आने वाली करंट अफेयर की एक सोशल इशू के टॉपिक्स वाइज जो करंट अफेयर आती है विजन की, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने पॉलिटी और इकोनॉमी शुरू कर दी है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरे यानी अप्रैल से दिसंबर 2023 तक आने वाले उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे सोशल इशू से रिलेटेड हैं। ये मित्रों जो टॉपिक्स हैं ये आपके सोशल इशू के साथ साथ आपके इथिक्स जो आपका पेपर नंबर 4 है उससे भी काफ़ी जुड़ाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिस्कस करते हैं प्रारंभ। तो मित्रों सबसे पहला टॉपिक है हमारा महिलाओं पे बेस्ड। किस पर बेस्ड है? महिलाओं पर। और इसमें देखना है कि क्या डिस्कस किया गया है, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे UPSC के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण होंगे और कौन कौन से हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मित्रों ये जो टॉपिक्स हैं 365 ये आपके प्री कम मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रा इसे ध्यान से गहराई से समझते हैं। तो हमारा सोशल इशू का पहला टॉपिक जो लिया गया है वो वुमेन यानी महिलाओं से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड है। और इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है भारत में सैरोगेसी। ठीक है, यानी सैरोगेसी होता क्या है इसे पहले ज़रा समझ लीजिए। सैरोगेसी एक ऐसा कह सकते हैं जिसे आप कह सकते हैं किराए की कोख। क्या कह सकते हैं? किराए की कोख होती है एक तरह से। यानी यहाँ पर कोई कपल यदि पेरेंट्स बनने में असमर्थ है तो आप किसी को क्या कर सकते हैं? हायर कर सकते हैं सैरोगेसी के लिए। तो भारत में चूंकि सैरोगेसी काफ़ी चीफ है, सस्ता है, ठीक है, तो उसके लिए पिछले वर्षों में ये देखा गया एक रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में सैरोगेसी एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड का बिजनेस के तौर पर भी लोग यूज़ करने लगे हैं। यानी कहने का मतलब है कई विदेशी जो यहाँ पर आते थे और भारत की गरीबी महिलाओं का फ़ायदा उठाकर उन्हें सैरोगेसी के लिए मना लेते थे। इस पर आप देखते होंगे बॉलीवुड में कई पिक्चर भी बनी हैं कीर्ति सेनन की, तो उसी के देखते हुए भारत सरकार ने इस पर लगाम कसी है और जितने भी फॉरेनर कपल होते हैं और भारत में अगर वो सैरोगेसी चाहते हैं तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखते हैं सैरोगेसी को आप समझ गए ना। एक सीधी बात है जो आपके किससे रिलेटेड है? किराए की कोख से रिलेटेड है। इसी में आगे देखते हैं क्या कहा गया है। ये टॉपिक्स किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये किया गया है और इसमें सैरोगेसी विनियमन संशोधन 2024 के लिए अधिसूचना जारी की गई है। यानी सैरोगेसी के लिए भारत ने सरकार ने शुरू से ही नियम बना रखे हैं। 2022 में भी एक नियम आया था, एक एक्ट आया था, उसी में कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्या किया गया है इस विनियमन संशोधन बिल में इसे ज़रा देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने सैरोगेसी विनियमन नियम 2022, मैंने आपसे क्या बोला था, जो रेगुलेशन सैरोगेसी रेगुलेशन रूल्स बनाए गए थे तो 2022 में संशोधन किया है और कई नए नियम भी बनाए हैं। अगर हम नए नियम को देखें तो जो किया गया है उसमें क्या है ज़रा देखें। जिला चिकित्सा बोर्ड यानी बोर्ड जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होगा उससे इच्छुक दंपत्ति यानी जो कपल्स चाहते हैं तो 2022 के नियम में संशोधन किया है और नए नियम भी जोड़े हैं। ठीक है, क्या किए हैं?
2022 के नियमों में संशोधन किया है और इसके अलावा नए जो हैं वो मित्रों नियम भी जोड़े हैं। क्या है पहला नियम? जो भी सैरोगेसी चाहता है कपल, यानी जो भी इच्छुक दंपति है उसे संतान पैदा, और दूसरी कंडीशंस भी हैं यहाँ पे मित्रों कंडीशंस भी हैं, आप ये समझिए जरा, थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या मापदंड है सैरोगेट माँ बनने के लिए, क्या मापदंड है मित्रों ये जरा समझिए, सैरोगेट माँ बनने के क्या मापदंड हैं, और दंपति के पात्रता यानी जो सैरोगेशन चाहता है कपल उसके क्या मापदंड हैं। तो पहले माँ बनने के मापदंड देखिए, सैरोगेसी सैरोगेटी माँ बनने वाली महिला कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले वो मैरिड होनी चाहिए यानी विवाहित होनी चाहिए, शादीशुदा महिला ही क्या होगी सैरोगेसी करने में सक्षम मानी जाएगी, ऊपर से उसका अपना एक बच्चा, कम से कम उसका एक जीवित बच्चा होना चाहिए, और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये कंडीशंस पहला क्या है माँ बनने के लिए सैरोगेसी अपना करने के लिए आपको, कि पहले तो आप विवाहित हों, दूसरी आपका एक अपना बच्चा हो, तीसरी आपकी उम्र 25 से 35 के बीच में वेरी करनी चाहिए। आ जाइए दूसरी कंडीशन क्या है, कोई महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सैरोगेट माँ बन सकती है, यानी आप अपने जीवन में केवल एक बार ही सैरोगेसी मदर बन सकती हैं। तीसरी सैरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, बात समझे, सैरोगेसी के लिए ये कंडीशंस मेन है कि एक डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक उसके पास होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। ये तो महिला का मापदंड हो गया, जो कपल है उसका लिए क्या मापदंड है उसे समझिए, दंपति के शादी के 5 वर्ष पूरे होने चाहिए, पहली बात क्या हो 5 वर्ष पूरे हो गए हों, पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष, कितनी पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष और पति की आयु 26 से 55 वर्ष, बात समझे, 25 से 50 पत्नी और 26 से 50 के बीच पति होना चाहिए। दूसरा इनके पास कोई भी जीवित बच्चा ना बायोलॉजिकल या गोद लिया हुआ नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया, एडॉप्टेड भी नहीं होना चाहिए और उनका बायोलॉजिकल बच्चा भी ना हो, या यदि बच्चा है तो वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दिव्यांग ना हो, या लाइफ थ्रेटिंग कोई बीमारी उसके लिए उसको ना हो तो वो होगा। तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी यानी अनिवार्यता का प्रमाण पत्र समझिए, इच्छुक दंपतियों को ये तब जारी किया जाएगा अगर इच्छुक दंपति में एक या दोनों सदस्यों को प्रमाणित इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा, आप देखना एक बोर्ड गठित किया जाएगा और वो बोर्ड निर्धारित करेगा कि पेरेंट्स में कोई भी मदर और फादर कोई भी सैरो कस्टडी पेरेंट्स की कस्टडी से संबंधित आदेश जारी है, और सैरोगेट माँ 36 महीने के लिए बीमा कवरेज होना भी यहाँ पर आवश्यक है, जो प्रसव के उपरांत की जटिलताओं की भी देख रेख करेगा, यानी एक इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझे सैरोगेट माँ बनने के क्या मापदंड हैं, सैरोगेट कपल के क्या मापदंड होंगे, ये एक साथ यहाँ पर देख लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, और मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एज के बात की गई है, विवाहित होने की कंडीशन लगाई गई है, एक जीवित बच्चे होने की बात की गई है, और जीवन में एक बार ही सैरोगेट हो सकती है, और उसके अलावा जो आपका जिला मेडिकल बोर्ड है वो एक चिकित्सा और एक मनोवैज्ञानिक उसे निर्धारित करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसे देखते हैं हम लोग। तो जरा देखें सैरोगेट बनने के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले क्या नियम बताया गया, जिला चिकित्सा बोर्ड जो नीचे दिया गया था, जिला चिकित्सा बोर्ड वो ही यहाँ पर बात की गई है कि सैरोगेट माँ बनने के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड सैरोगेट माँ बनने के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड क्या करेगा, संतान पैदा करने में ये बताएगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि जो कपल है वो संतान पैदा करने में क्या हो असमर्थ है,
और किसी अन्य डोनर के युग्मक यानी शुक्राणु यानी स्पर्म और अंडाणु की आवश्यकता होगी, तो ऐसे डोनर से प्राप्त युग्मक ठीक है का उपयोग करके सैरोगेसी की जा सकती है। बात समझिए। दूसरी बात, सैरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति में से किसी ना किसी एक का युग्मक होना अनिवार्य है, यानी पेरेंटल जो बनेगा तो पेरेंट्स में से किसी, चाहे माँ या फादर, किसी एक के जो आपके डीएनए हो वो उसमें, या जो भी आप शुक्राणु कह लें या अंडाणु कह लें, वो एक का होना परम आवश्यक है। और ये निर्धारित करेगा जिला चिकित्सा बोर्ड, ठीक है, और ये बताएगा कि ये लोग असमर्थ हैं, दोनों लोग एक साथ मतलब दोनों लोगों में से कोई एक असमर्थ है और इसलिए इनके यहाँ संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। और इस सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जो सैरोगेसी मदर होगी उसमें से इन्हीं दोनों में के कोई, चाहे शुक्राणु मेल का जाए या फीमेल का अंडाणु उसमें प्रक्षेपित किया जाए, उसमें किया जाए, तो फिर उसके बाद उसका किसी एक का होना जरूरी है। इसके बाद 2022 में क्या था, 2022 के नियम 7 के तहत दाता युग्मकों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 24 में इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, युग्मक होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का, किसी एक का। अब इसमें क्या है, पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, अब इसमें थोड़ी ढील दे दी गई है। अगला क्या है पॉइंट, अगला है सैरोगेसी संतान चाहने वाली सिंगल मदर, यानी कोई ऐसी माँ जो विधवा है, तलाकशुदा है, के स्वयं के अंडाणु और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा। जो सैरोगेसी संतान यानी जो सिंगल मदर चाहती है तो उसे अपने अंडाणुओं यानी सेल्फ एग का प्रयोग और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा, यानी उस महिला को जो विधवा है और सैरोगेसी से संतान चाहती है तो उसे अपने एग्स का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे क्या है, इस पर एक केस का भी डिफाइन यहाँ पर केस स्टडी बताई गई है, यानी अरुण मुतवेल बनाम भारत संघ वाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोकिन तांस्की कुस्टर हॉर्सर के MRKH ठीक है सिंड्रोम से पीड़ित मेयर कुस्टर केस ठीक है सिंड्रोम से पीड़ित जो ये हैं, महिला को सैरोगेसी हेतु अंडाणु के उपयोग की अनुमति दी थी। यानी ऊपर क्या बोला गया था, ऊपर ये बोला गया था कि सैरोगेसी के लिए महिला के अंडाणु एक चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस केस में, इस विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात अनुमति दे दी थी, ठीक है। और इससे सॉरी MRKH यानी आपके मातुविल मेयर रोकिस्की कुस्टर हॉर्सर एक जन्मजात दुर्लभ रोग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी का कारण भी बनता है MRKH सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आप अगर हम बात करते हैं तो इस सिंड्रोम से पीड़ित जो महिला थी उसे सैरोगेसी के लिए अपने एग की अनुमति दी गई थी कि आप इसमें अनुमति क्या अपना एग ना दें, ठीक है, बात समझे। अब आगे कहें सैरोगेसी के बारे में थोड़ा, जो मैंने आपको बताया था सैरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई महिला इच्छुक दंपति ठीक है कोई और महिला इच्छुक दंपत्ति का गर्भ धारण करती है, ठीक है, कोई और महिला यानी एनी अदर पार्टनर, उसका पार्टनर यानी उसकी वाइफ नहीं करेगी, कोई और महिला करेगी, ठीक है, और उनके बच्चे को क्या करेगी, जन्म देगी। जिस इच्छुक दंपत्ति से माता पिता बनने के इच्छुक ऐसे दंपत्ति हैं जिनके चिकित्सीय लक्षण जेस्टेशनल सैरोगेसी को आवश्यक मान बनाते हैं, जेस्टेशनल सैरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक सैरोगेट माँ अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को पालती है अपने गर्भ में, ठीक है, और यह बच्चा अनुवांशिक रूप से सैरोगेट माँ से संबंधित नहीं होगा। यानी जो कपल्स हैं वो अपनी संतान पैदा करने के लिए केवल को किराए पर लेते हैं और उनके एक्स और स्पर्म उसी कपल के प्रयोग किए जाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक तरह से सैरोगेसी कहते हैं। सैरोगेसी भी दो टाइप की होती है मित्रों, एक आपकी परोपकार के तौर पर होती है और एक आपका आप व्यापारिक तौर पर भी यहाँ पर देख सकते हैं, देखें जरा। हाँ, जेस्टेशनल सैरोगेसी एक टाइप हो गया, जेस्टेशनल सैरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सैरोगेट माँ
अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक बच्चे को जन्म देती है। दूसरा क्या है, ट्रेडिशनल सैरोगेसी में इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सैरोगेट माँ कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है और सैरोगेट माँ का गर्भधान या तो प्राकृतिक गर्भधान या कृत्रिम गर्भधान के जरिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में सैरोगेट माँ जिस बच्चे को जन्म देती है वह उसकी जैविक माँ बन सकती है यानी बायोलॉजिकल मदर बन जाएगी। ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रेडिशनल सैरोगेसी। अब सैरोगेसी के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। मैंने बोला था आपको परोपकारी सैरोगेसी, इसमें क्या है, गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सैरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता। यहाँ पर परोपकारी जरा समझना, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, जबकि कॉमर्शियल में क्या होता है, इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय बीमा कवरेज के अलावा मौद्रिक लाभ या प्रतिफल यानी नगद कोई पुरस्कार, नगद कोई वस्तु या पेमेंट किया जाता है। ये प्रक्रिया कॉमर्शियल सैरोगेसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत में सैरोगेसी काफ़ी सस्ती थी जिसके कारण काफ़ी विदेशी भारत की ओर आकर्षित हुए थे। तो भारत सरकार ने कब से 2015 यानी 2015 से विदेशी नागरिकों के लिए सैरोगेसी पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो विदेशी नागरिकों पर किसी प्रकार की सैरोगेसी भारत में नहीं होगी, यानी कोई भी विदेशी भारत में सैरोगेट मदर हायर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो रूल्स हैं वो जरा समझ लेते हैं। क्या रूल्स हैं मित्रों, सैरोगेसी संबंधी कानून क्या बता रहा है, 2021 सैरोगेसी अधिनियम के अंतर्गत क्या है, केवल परोपकारी सैरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है एवं व्यावसायिक या वाणिज्यिक सैरोगेसी अपराध की श्रेणी में डाला गया। ये बात समझना, केवल क्या है, परोपकारी सैरोगेसी ही यहाँ पर की जा सकती है। दूसरा, अधिनियम में क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा राज्य आदि का काम स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सैरोगेसी बोर्ड, स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सैरोगेसी बोर्ड आदि के कामकाज की निगरानी करने के लिए नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सैरोगेसी बोर्ड यानी NRTSB की स्थापना की गई है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी यदि बात होती है तो इसके बारे में यहाँ पर आवाज़ उठाई जा सकती है। तो मित्रों, ये आप नियम, ये कानून और इसके बारे में बारीकियाँ समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं सैरोगेट होने वाले बच्चे का क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सैरोगेट बच्चे के मामले में गर्भपात के लिए सैरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति होना आवश्यक है। यह अनुमति मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट 1971 के अनुरूप होनी चाहिए। अब 1971 के अनुरूप कैसा है कि भारत में एबॉर्शन कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है, आप कुछ कंडीशनों के आधार पर ही क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। उसको जरा समझिए, MTP एक्ट 1971 क्या किया जा रहा है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन एक्ट 2021 ARTI, इसमें क्या किया गया है, ARTI में इसको जरा देखते हैं, क्या है इसका उद्देश्य, ARTI, ठीक है, क्लिनिक्स और ARTI बैंकों को का विनियमन और पर्यवेक्षण करने हेतु दुरुपयोग को रोकना है और साथ ही प्रजनन के मुद्दों को समाधान करने के लिए ARTI सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है, इसमें क्या है, इसमें सुनिश्चित किया है सैरोगेसी संबंधी उपचार को भी इसमें शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत सैरोगेट माँ के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, 2021 के सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, ठीक है, असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत के बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए ये किया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी यहाँ पर किया गया है। आगे देखें, सैरोगेसी संबंधी उपचार शामिल किया गया है, सैरोगेट विनियमन 2022 में क्या प्रावधान थे कि प्रयासों की संख्या कितनी बार है, 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी सैरोगेट माँ पर किसी भी सैरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 1
तीन बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ 24 में ये भी कर दिया है कि सैरोगेट बन तो आप एक बार सकते हैं, तो यहाँ प्रक्रिया ऐसा है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएं, एक बार में आपका सैरोगेसी एक्सेप्ट कर लें, यानी जो आपकी बॉडी ह्यूमन बॉडी है वो कब एक्सेप्ट कर रही है, तो उसके लिए तीन बार आप क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ये सैरोगेट माँ सफल हो जाए। मेडिकल टर्मिनेशन यानी एमटीपी जो एक्ट है उसमें सैरोगेट माँ को सैरोगेसी के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन हैं। इच्छुक महिला या दंपत्ति को किसी बीमा या ARDAI द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से 36 महीने की अवधि के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा भी खरीदना होगा, यानी जो भी सैरोगेट करवा रहा है वो उस सैरोगेट मदर का बीमा भी करवाएगा किसी 36 महीने की अवधि के लिए, और वो अवधि क्या करेगा, किसी भी प्रसव के उपरांत जटिलताओं को कवर करने के लिए ये बात की गई है। ठीक है, आगे देखें। आगे अगर हम देखें कि भारत में गर्भ समापन जो बीच में आया था एमटीपी एक्ट, ठीक है, उसे जरा देखें क्या प्रावधान किया गया है, उसमें भी परिवर्तन किया गया इसलिए वो सुर्खियों में है, जरा उसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित महिला के 26 सप्ताह से अधिक गर्भ का समापन कराने यानी अवॉर्शन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य भी बताए हैं कि इससे मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है और भ्रूण की विकृति का मामला भी नहीं है, यानी किसी प्रकार की मानसिक डिसीज भी बच्चे को नहीं है और महिला को किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है, तो ऐसी विवाहित महिला किसी भी हालत में 26 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिरा नहीं सकती है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। भारत में अवॉर्शन संबंधी कानून जरा समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत अवॉर्शन को क्या बताया गया है, नॉन यानी गैर कानूनी बताया गया है, और एमटीपी अधिनियम 1971 के तहत निर्धारित तरीके से अवॉर्शन कराने की अनुमति भी यहां पर दी गई है। क्या दी गई है, एमटीपी अधिनियम 1971 के तहत निर्धारित तरीके से अवॉर्शन कराने की अनुमति भी यहां पर दी गई है। बात समझना ध्यान से मित्रों, एमटीपी अधिनियम 1971 के तहत, ठीक है। तो आगे देखें, आगे क्या है हमारा, आगे इसमें कुछ चेंज भी किए गए हैं। इस अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि एमटीपी में महिलाओं को और उपयोगी बनाया जा सके। क्या है जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88 और 92 जो 312 313 था उसकी जगह अब क्या हो गया है, 312 इन इट स्टेड ऑफ 313 की जगह अब 88 और 92 में गर्भपात संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं, और इस एमटीपी संशोधन 2021 के मामलों में गर्भ समापन की अनुमति देता है। कब, पहला 20 सप्ताह तक की गर्भ अवधि आप कब एबॉर्शन करा सकते हैं, जब चिकित्सीय सलाह पर सभी महिलाओं को अनुमति है, यदि डॉक्टर सलाह देते हैं तो 20 सप्ताह का एबॉर्शन आप करा सकते हैं। दूसरी 20 से 24 सप्ताह का गर्भ अवधि में कम से कम दो चिकित्सकों की सलाह इसमें चाहिए, और यहां पर केवल एक ही चिकित्सक की सलाह चाहिए होती है, ठीक है। तीसरा, यह बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा या महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। बलात्कार पीड़ित, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचारी से पीड़ित महिला और अन्य सुभेद महिलाएं जैसे दिव्यांग हैं, नाबालिग है आदि के लिए इसमें उपलब्धता यानी अबॉर्शन कराने की बाध्यकारी बाध्यता 24 सप्ताह तक के बच्चे को या आप गर्भ को गिरा सकते हैं, उसमें ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। दूसरी बात, यदि 24 सप्ताह से अधिक अवधि हो गई हो तब क्या है, इस दौरान भ्रूण की विकृति का आधार पर और मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही अवॉर्शन करने का अधिकार उपलब्ध होगा, ये बात मैन है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह भी सुनाया गया था कि एमटीपी 1971 अधिनियम के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी यहाँ पर शामिल किया गया है। बात समझना यहाँ पे, 1971 में एमटीपी में जो रेप की बात की गई है उसमें यहाँ पर वैवाहिक बलात्कार को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भावस्था में 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया गया है, यानी अब कितने सप्ताह तक के बच्चे का गर्भपात किया जा सकता है, 24 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात किया जा सकता है। अब यह अधिकार विवाहित के साथ साथ अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त हो गया है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी आपको स्टेटमेंट्स वाइज पूछे जा सकते हैं क्या ये अधिकार केवल विवाहितों अविवाहितों को है, नहीं, ये विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए
मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं, क्या है यहाँ पर अबॉर्शन यानी गर्भपात संबंधी कानून की वैश्विक स्थिति क्या है, जरा इस पर भी विचार कर लें। यहाँ पर सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट CRPR के अनुसार पिछले 30 वर्षों में 60 से अधिक देशों ने अबॉर्शन संबंधी कानूनों को सरल बनाया है। अभी हालिया में आपने फ्रांस में भी देखा होगा, फ्रांस में भी अभी पिछले दिनों कानून रहे हैं इस पर। पिछले केवल 4 देशों USA, निकारगुआ, अल सल्वाडोर और पोलैंड ने अबॉर्शन की मिली अनुमति को ख़त्म किया है, अबॉर्शन को मिली कानूनी अनुमति को ख़त्म कर दिया गया है इन देशों में, और इसमें अब फ्रांस भी मित्रों क्या है जुड़ गया है, ठीक है, एबॉर्शन संबंधी। ठीक, अगला टॉपिक हमारा किससे है, अगला टॉपिक मित्रों हमारा संबंधित है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमन। इसे देखें क्या सुर्खियों में रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विश्व में कहीं ना कहीं हर तीसरी महिला पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। तो उसी रिपोर्ट में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं भारत की स्थिति क्या है। WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर तीसरी महिला यानी एवरी थर्ड वुमन अपने जीवन काल में किसी ना किसी रूप से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना यहाँ पर करती है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं भारत में क्या स्थिति है घरेलू हिंसा की, इस पर कई कानून भी भारत में बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं जो रिपोर्ट आई है 2019-21 के अनुसार क्या प्रोविजन है घरेलू हिंसा में, तो कर्नाटक में यह प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक घरेलू हिंसा कहाँ होती है, कर्नाटक में है। इसके बाद बिहार, मणिपुर, तेलंगाना का स्थान है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 18 से 49 वर्ग की विवाहित महिलाओं ने यानी 29.3% विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा यानी शारीरिक और लैंगिक हिंसा का सामना किया है, ठीक है। भारत में इसके लिए कानूनी क्या है, सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है कर्नाटक, यानी साउथ इंडिया में ज़्यादा एजुकेशन है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड शहर आपका राज्य कौन सा है, केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। तो वहाँ पर देखिए महिलाओं की स्थिति, घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, और इसके बाद बिहार, लिटरेसी रेट कम है, मणिपुर, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर आप इस बात पर भी जोर कर सकते हैं कि शिक्षा आपको घरेलू हिंसा के लिए अगर आप ये कहें एजुकेटेड कर देंगे, मोरल एजुकेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मोरल एजुकेशन के लिए बात करनी चाहिए, एथिक्स की बात करनी चाहिए एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कर्नाटक एक वेल एजुकेटेड शहर है, फिर भी वहाँ पर हिंसा सबसे अधिक है। उसके बाद बिहार, मणिपुर, तेलंगाना का स्थान आ गया। 18 से 49 वर्ग की यहाँ पर बात करें तो 29.3% विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का सामना किया है, ठीक है। बात करते हैं आगे घरेलू हिंसा के लिए कानून क्या है भारत में, इस पर जरा देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(3) यानी आर्टिकल 15 यानी जिसमें हम एक राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी जहां पर राइट टू इक्वलिटी की बात की रही वहां आर्टिकल 5 में किसी भी प्रकार की लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहीं पर हमारे फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में ये कहा गया है राज्य से कि आप महिलाओं की उच्चिष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए और उन्हें समान धारा में लाने के लिए विशेष प्रोविजन महिला और बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है 15(3) का उल्लेख। तो महिलाओं के संरक्षण में क्या किया गया है, हेतु 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम PWDVA, ठीक है, PWDVA यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत क्या किया गया है, देखिए घरेलू हिंसा में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और लैंगिक शोषण इसमें डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, यानी शारीरिक यातना, मौखिक, जैसे मौखिक यातना यानी जैसे मैं हमने महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को बुरा भला कह दिया हो, ठीक है, भावनात्मक, उनकी भावनाओं का सम्मान ना किया हो, भावनाओं को ठोस पहुंचाई हो, आर्थिक, उन्हें आर्थिक रूप से शोषण किया गया हो या लैंगिक शोषण किया गया हो, तो ये पूरा का पूरा इसमें उनके शोषण हिंसा में डिफाइन किया गया है। कवरेज, सभी महिलाएँ इनमें एक साझा घर में रहने वाली माता,
बहन, पत्नी, विधवा या पार्टनर भी शामिल हो सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक बच्चा भी राहत का हकदार है, यानी यहाँ पर आप हर तरह की राहत के हकदार हैं, चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो, विधवा हो या पार्टनर हो। ठीक है, इसके खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कराई जा सकती है, इसको जरा समझिए। तो इसके खिलाफ शिकायत कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिला के साथ घरेलू हिंसा से संबंध में है, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हीरल पी हरसोना और अन्य बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा और अन्य वाद में एक अहम फैसला सुनाया, जिस फैसले ने क्या किया गया है, जिस फैसले ने PWDA एक्ट में, ठीक है, वुमेन एक्ट में व्यक्ति यानी पर्सन शब्द से पहले आने वाले वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया है और पति या साथी पुरुष के रिश्तेदार इसमें डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, इसमें पुरुष साथी को पुरुष और महिला के रिश्तेदार दोनों के तौर पर यहाँ पे शामिल किया गया है। दूसरा, पीड़ित या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति पीड़िता की ओर से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकता है। यह आवेदन इस अधिनियम के तहत एक या एक से अधिक राहत की मांग भी मांग करने के लिए दिया जाता है। दूसरी बात आते हैं, पीड़िता को आश्रय या चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आश्रय गृह या चिकित्सा सुविधा का भी प्रावधान किया गया है इसमें, इस PWDA एक्ट में। इसके अलावा कानून में अतिरिक्त क्या है, मौजूदा कानून में अतिरिक्त क्या है, इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अन्य कानूनी कार्रवाइयों में भी राहत मांगी जा सकती है, जैसे तलाक मांगा जा सकता है, भरण पोषण मांगा जा सकता है, भारतीय दंड संहिता 498A आदि के लिए याचिका की जा सकती है। बात समझे यहाँ पर। दूसरी बात, भारतीय दंड संहिता 498A क्या है, जो कोई भी चाहे, वह महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे किसी भी निर्धारित अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कोई भी महिला जो शिकायत करती है तो उस पुरुष और पुरुष के परिवारजन को 498A के तहत जुर्माना या कारावास लगाया जा सकता है और कारावास की अवधि को 3 वर्षों तक क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा से बचने की अन्य पहलें क्या है, PWDVA 2005 में वैवाहिक बलात्कार को केवल दीवानी यानी सिविल मामलों के तहत रखा गया है। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक बलात्कार आरोपी के खिलाफ कोई भी आपराधिक यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है, सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है, यानी ये आपका दीवानी का मुकदमा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या कहा गया है, धोखे से या झूठे वादा करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने को भी अपराध की श्रेणी में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा UN विमन और WHA ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की 10 अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसी के साथ मिलकर महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने एवं उसका जवाब देने के लिए रेस्पेक्ट वुमेन फ्रेमवर्क, क्या है, रेस्पेक्ट वुमेन फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता के लिए देश में क्या किया गया है, वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर से पास स्थापित किए गए हैं और UN विमन और WHO ने रेस्पेक्ट विमन फ्रेमवर्क को बनाया है। ठीक, ये बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, भारत में दहेज प्रथा यानी डायरी सिस्टम इन इंडिया में क्या पोजीशन है, ये सुर्खियों में क्यों आया, इसे जरा देखते हैं हम लोग। दहेज क्या है, अगर इसकी मोटी मोटी परिभाषा बताएं तो मित्रों, दहेज के लिए पहला संविधान संशोधन भी किया गया था। दहेज एक तरह से उपहार के तौर पर डिफाइन किया जाता है। जब कोई लड़की विवाह के पश्चात ससुराल में आती है तो वो अपने साथ कुछ उपहार वगैरह लाती है, तो इसे उपहार के तौर पर इसे डिफाइन किया जाता है, लेकिन वो बेसिकली एक दहेज होता है। और दहेज को भारत में एक स्टेटस ऑफ सिंबल यानी आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के तौर पे बनाया जाता है। आप देखते हो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं और कहा जाता है कि ये लेके आया, ये लेके आई, ऐसी बातें की जाती हैं, उसकी शादी में ये मिला वो मिला, तो ऐसे स्टेटस सिम्बल्स को एक दहेज से दहेज में डिफाइन किया गया है। ज़रा इसको देखते हैं।
सुर्खियों में क्यों है, इसे समझिए। एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में पुरुषों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में जितनी वृद्धि हुई है उतना ही दहेज का भी चलन भी क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, दहेज प्रथा के बारे में जरा समझिए। डाउरी जिसे भारत दहेज उत्तर भारत में, स्त्री धनम दक्षिण भारत में के रूप में कहा जाता है, 1961 में दहेज अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तौर पर परिभाषित किया गया है। अब जरा 1961 का दहेज एक्ट जरा समझते हैं। यहाँ पर जांच के उद्देश्य से दहेज एक ऐसा संज्ञेय अपराध है, ठीक है, एक ऐसा कैसा माना गया है, संज्ञेय अपराध माना गया है, ठीक है। ऑफेंस इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल जिससे समझौता न किया जा सके के तहत रखा गया है। दूसरा, स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर है दहेज एक्ट में, ये बात समझना ध्यान से, ठीक है, ये नहीं स्वयं तुम ही अपने आप को प्रूव करोगे कि हाँ मैंने दहेज नहीं लिया है, ठीक। स्वयं को निर्देश, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित मामलों में कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है, दहेज देना या लेना, या दहेज लेना या देने के लिए उकसाना, ये आपका क्या है, दंडात्मक कार्रवाई है। दहेज की मांग करना तथा दहेज से संबंधित विज्ञापन, ये सभी क्या है आपके, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं, ठीक। अब जरा इसे देखते हैं इधर, ये तो आपने 1961 का पढ़ लिया, दहेज एक्ट क्या है, इसमें क्या किया गया। इस कानून में विवाह के संबंध में एक पक्ष माता पिता दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को क्या कहते हैं, हम दहेज कहते हैं। दक्षिण भारत में स्त्री धनम कहा गया है। दहेज के लिए क्या है, दहेज के लिए हत्या को भारतीय दंड संहिता 1986 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया था, और दहेज मृत्यु कानून में हत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में परिभाषित किया गया है, और दहेज यानी डॉयरी डेथ के मामले में इस धारा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112(13)(b) यानी अब 304 किस में कन्वर्ट हो गया है, 113 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा यानी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के साथ पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 में दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, यानी भारतीय साक्ष्य संहिता में 113B और भारतीय न्याय संहिता में अगर हम बात करें तो 304B के दहेज मृत्यु किसमें है, 80 में है, ठीक है। और भारतीय धारा को भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत किसमें किया गया है, 113B में किया गया है। दहेज हत्या के अतिरिक्त क्रूरता, किसी भी महिला का उत्पीड़न या यातना, घरेलू हिंसा भी दहेज के संबंधी अपराध के रूप में ही मान्य है मित्रों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है स्टीम, स्टीम क्या है इसके बारे में समझते हैं। स्टीम क्षेत्र में महिलाओं, ठीक है, जरा इसे समझते हैं स्टीम। तो हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा, पहले इस पर ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री ने विमानन यानी एविएशन क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करने के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया है। क्या किया है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम यहाँ पर क्या किया गया है, शुरू किया गया है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ठीक है। और इस कार्यक्रम में है क्या, इसके तहत पूरे भारत से लड़कियों को देश के विमानन क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य बनाया गया है, और इस कार्यक्रम में लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद करेगा। यानी क्या है ये स्टीम, यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ, जिस विषय जो कि एक ज़्यादातर महिलाओं की संख्या इसमें कम रहती है, तो इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसमें है क्या, इस कार्यक्रम के तहत उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, और इस कार्यक्रम के तहत युवतियों के लिए 150 निर्धारित स्थानों पर स्टीम लैब स्थापित की जाएंगी,
और कितनी लैबें 150 स्थानों पर, और उनमें स्टीम क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रुचि पैदा करने में मदद मिलेगी, और इसके तहत पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। भारत में 15% महिलाएं ही पायलट हैं, और जो वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है। कितना है वैश्विक औसत से? 3 गुना अधिक है। ठीक है, डेटा अगर हम इस बार स्टीम के बारे में समझें, स्टीम कोर्स महिलाओं का नामांकन 2021-22 में बढ़कर 42.6% हो गया है। कार्यबल में यदि हम बात करें, ठीक है, तो स्टीम कर्मी महिलाओं की भागीदारी 29.2% हो गई है। बात समझना ध्यान पर, यानी वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है हमारे यहाँ पायलट महिलाओं की संख्या। इसके अन्य पहल क्या है स्टीम के, इसे जरा समझते हैं। स्टीम फर्स्ट स्टीम थर्ड जो प्रधान फर्स्ट यानी स्टीम जो है आपका इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप के बारे में अगर हम बात करें, तो वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैप के बारे में बात करें, तो कार्यालय द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। यह अनुसंधान संरचना अवसंरचना प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसका लाभ पूरे भारत में उपयोगकर्ता उठा सकते हैं। इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिलाएं यानी वेस्ट क्या है, इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिलाओं की अगर हम यहां पर बात करें, तो ये क्या हैं, ये हैं आपकी वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, वेस्ट एक ऐसी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैप की पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की परिस्थितियों पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान को लिए सशक्त बनाना है। ऐसे ही विज्ञान ज्योति के बारे में अगर हम बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस पहल की शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य हाई स्कूल में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को स्टीम क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु समान अवसर प्रदान कि ये करना है। इसका मेन उद्देश्य पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी, यानी इसके लिए क्या किया गया है, किरण की बात की गई है। किसकी बात की गई है, किरण की, यानी नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिशन। ठीक है, नॉलेज इन्वांसमेंट थ्रू न्यूट्रिशन की बात की गई, जिसके अंतर्गत DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करने की बात की गई है। किसकी, महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करने की बात की गई है। और विज्ञान ज्योति क्या है, हाई स्कूल में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए बात की गई है। तीसरा क्या है, जेंडर एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट GATI यानी जेंडर एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट यानी गति के बारे में यदि हम बात करें, यह सभी स्तरों पर यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग चिकित्सा और गणित, इन सभी स्तरों पर विषयों पर महिलाओं की सुविधा के लिए संस्थागत सुधार लाने का प्रयास यहाँ पर करने की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस QIR, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन। इसमें क्या हुआ है, इसके तहत विश्वविद्यालयों में और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधाओं को सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है यहाँ इसके अंतर्गत, QIR के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसे रोजगार बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों ने करियर के लिए, ठीक है, करियर विकास के लिए प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 45 वर्ष की महिला वैज्ञानिकों को पहला बाह्य अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है। तो यानी विज्ञान ज्योति हो, किरण हो, QIR हो, स्टीम हो, ये सब के सब वो प्रोग्राम हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं को, लड़कियों को आपके साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ जैसे विषयों पर उनका रजिस्ट्रेशन या ये कहिए उनका नामांकन की संख्या बढ़ाई जाए, और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन और उसके योगदान के लिए
माना जाए, जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। अगला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। क्या है इसमें, इसमें देखते हैं, क्या है, महिलाओं को कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध निदान अधिनियम 2013 यानी पॉस एक्ट को लागू हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 10 वर्ष हो गए हैं। तो ये ड्राफ्ट ऑफ नेशनल मेंसुरी हाइजीन पॉलिसी, सॉरी सेक्सुअल हरेसमेंट एट वोमेन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 को लागू हुए कितने दिन हो गए हैं, 10 वर्ष हो गए हैं, तो उससे संबंधित है। क्या इसमें बात की गई है इसके बारे में जरा समझिए। कार्यस्थल पर महिलाओं को हेतु सुरक्षित बनाने के लिए पॉस एक्ट बनाया गया था, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना था, प्रतिबंधित करना था और उससे जुड़ी शिकायतों को दूर करना था। इसके बाद इस अधिनियम 1997 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत विशाखा दिशा निर्देश का विस्तार किया गया था। 1997 में जो विशाखा के संबंधित कोर्ट के डायरेक्शन आया था उसी के तौर पर इसे बनाया गया था और 2012 में निर्भया के बाद इसको लागू किया गया था। विशाखा दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषित किया गया, जिसके तहत संस्थाओं पर 3 प्रमुख दायित्व निर्धारित किए गए और यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध, रोकथाम, निवारण शामिल किया गया। साथ ही संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, पोस अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं इसे समझिए, उससे देखें यौन उत्पीड़न की परिभाषा की गई है क्या है। प्रत्यक्ष रूप से या मनसा व्यक्त करके निम्नलिखित में किसी एक या अधिक नापसंद बर्ताव, आचरण या व्यवहार को यौन उत्पीड़न में शामिल किया जाता है। शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना, यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य और चित्र दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य नापसंद शारीरिक, मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार किसके अंतर्गत आएगा, पोस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है आगे, कार्यस्थल की परिभाषा, कार्यस्थल की परिभाषा क्या, इसके तहत कोई भी स्थान शामिल है जहां कर्मचारी रोजगार की वजह से रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे स्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन का साधन भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और कार्यस्थल में संगठित और असंगठित दोनों प्रेरक प्रकार के क्षेत्रक शामिल हैं। पीड़ित महिला, इसमें सभी महिलाएं हैं, भले ही उनकी उम्र, रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह संगठित हों या असंगठित हों, कार्यस्थल में परिभाषित की जाएंगी। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के में कार्यरत हों, ठीक है, पीड़ित महिला को परिभाषा के दायरे में क्लाइंट, ग्राहक, घरेलू कामगार को भी इसमें शामिल किया गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप घरेलू कामगार को इस एक्ट के अंतर्गत नहीं मांगेंगे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब वैश्विक स्थिति में जरा देख लें एक बार हम लोग, वैश्विक स्थिति इसमें क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 1990 हिंसा और उत्पीड़न के रहित विश्व के में काम करने के हर किसी के अधिकार को मान्यता देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है। ठीक है, जिसमें जेंडर आधारित हिंसा और उत्पीड़न भी शामिल है। भारत ने इसका समर्थन रेटिफिकेशन नहीं किया है, अनुसमर्थन नहीं किया है, पहली बात ये समझ लीजिए। महिला के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, इसे 1979 यूएन कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, ठीक है, तो यहाँ पर 1979 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और भारत ने इसका अनुसमर्थन किया था।
बात समझ नहीं। यहाँ पर तो भारत ने ILO का अनुसमर्थन नहीं किया, लेकिन UNO द्वारा जो इसके विरुद्ध आया कानून उस पर भारत ने क्या किया, इसका समर्थन किया था। ठीक है, अब इसके कुछ मापदंड हैं, इसे जरा देखते हैं। शिकायत निवारण के तंत्र क्या क्या हैं इसमें जरा हम लोग देखते हैं। क्या है इसे जरा देखते हैं। शिकायत समिति, एक समिति होगी उस नियुक्ता द्वारा नियुक्त की जाएगी। ऐसे प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC का गठन करना अनिवार्य है जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। दूसरी बात, ICC में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, उनमें से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, यानी 4 में से 2 तो महिलाएं होंगी ही, जिनमें एक बाहरी सदस्य भी होना चाहिए। ICC के पास दीवानी अदालत के समान शक्तियां होंगी। क्या होंगी? जो दीवानी अदालत की शक्तियां हैं वो ICC के पास होंगी। दूसरी बात, 10 से कम कर्मचारी वाले संगठनों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। यानी कोई कर्मचारी, कोई नियोक्ता या कोई संस्था ऐसी है जहां पर 10 कर्मचारी से कम काम कार्यरत हों और वहां पर किसी का उत्पीड़न हुआ हो, तो उस उत्पीड़न की जाँच करने के लिए उस संस्थान का जिला कलेक्टर एक ICC समिति यानी आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करेगा। ये बात समझना ध्यान से। ठीक है, अब शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है इसे समझते हैं। किसी भी पीड़ित महिला को ICC के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर लिखित दर्ज कराने का अधिकार है। यदि आंतरिक समिति गठित नहीं है तो स्थानीय समिति यानी लोकल कमेटी के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, यानी DM हर वर्ष यहाँ पर एक समिति नियुक्त करेगा और वहाँ पर इन नियुक्ताओं की शिकायत की जा सकती है यदि ICC वो नियुक्ता द्वारा नियुक्त नहीं की गई है। दूसरी, यदि पीड़ित शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है या उसकी मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण से शिकायत कराने में असमर्थ है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी या उनके संबंधित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए निर्धारित किया है कि पीड़िता के रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारी आदि शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसे कोई भी शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। ICC की समय सीमा क्या होगी, बढ़ाई भी जा सकती है, यानी कितने, 3 महीने के भीतर। और ICC की सीमा, ICC इसे सीमा क्या कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। आगे क्या कह रहा है, सलाह, या सलाह की क्या है, ICC जांच करने से पहले पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और जवाबदेह के पक्ष के बीच मामले में सुलझाने की ओर कदम उठा सकती है। हालांकि सुलह में किसी प्रकार के मौद्रिक लेन देन संबंधी समझौते की अनुमति यहाँ पर नहीं की गई है, यानी मौद्रिक यानी मॉनेटरी लेन देन यहाँ पर नहीं होगा। जांच ICC कैसे करेगी, ICC या तो पीड़िता की शिकायत को आगे कार्रवाई के लिए पुलिस के पास भेज सकती है या अपने स्तर पर जांच शुरू करा सकती है और उसे कम से कम 90 दिनों के भीतर क्या करना पड़ेगा, पूरा किया जाना होता है। जब जांच पूरी हो जाए तो ICC 10 दिनों के भीतर अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट नियुक्ता को सौंपेगी। दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या है, यौन उत्पीड़न के आरोप साबित होने पर ICC नियुक्ता की कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। और इसकी अपील की अगर हम बात करें, यदि पीड़ित महिला जवाबदेह पक्ष यानी आरोपी जांच से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिनों के भीतर वो अदालत में भी अपील क्या है, कर सकते हैं। दूसरी, इसी झूठी शिकायत होने पर क्या है, नियुक्ता से सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार उस महिला या शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी बात, निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिला, जवाबदेह पक्ष और गवाह की पहचान, पूछताछ से जुड़ी जानकारी, जाँच की सिफारिश और इस पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये निजता की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे मित्रों बात की जा रही है भारत में मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन इंडिया। ठीक है, जरा इसको देखते हैं।
मेंसुरेशन देखते हैं, सुर्खियों में क्यों रहा इसे जरा समझते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति 2023 का मसौदा जारी किया है। मासिक धर्म स्वच्छता नीति संबंधी मसौदा क्या है इसे जरा समझते हैं। ड्राफ्ट नीति में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि मासिक धर्म प्रजनन आयु लड़कियों की और महिलाओं सहित अन्य सभी के लिए प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लड़कियां और महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कलंक मुक्त जीवन जी सकें। क्या है इसमें, इस नीति के से में वंचित और कमजोर आबादी की प्राथमिकता देने और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये वही बात यहाँ पर की जा रही है जो अक्षय कुमार ने पैडमैन में बताई थी। इसी को देखते हैं। स्पेन महिला कर्मचारियों को सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। क्या बना है, सवैतनिक कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। ठीक है, अगला, मासिक धर्म के प्रबंधन के लिए क्या क्या है, पहले और वर्तमान में क्या किया था बढ़ावा देने की, पहले क्या हैं, वर्तमान में संचालित कार्यक्रम क्या हैं। तो जरा देखें, 2011 में जब पैडमैन आई थी अक्षय कुमार की मासिक धर्म स्वच्छता योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ता के माध्यम से समुदाय में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन का वितरण कराना है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसके तहत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के में शामिल किया गया। तीसरा, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2015 में, जिसके तहत सभी राज्यों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन मुद्दे पर तेजी से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान की गई। चौथा, विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित योजनाओं, महाराष्ट्र में असीमित अस्मिता योजना, राजस्थान में उड़ान योजना और उड़ीसा में खुशी योजना, किशोरियों को सब्सिडी देने वाले निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया। ठीक है, अब और क्या पहले हैं, हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 मई को। मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा रेड डॉट अभियान चलाया गया। क्या चलाया गया, रेड डॉट अभियान। ठीक है, आगे, महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार, मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच विधेयक 2022, इसमें मासिक धर्म के दौरान 3 दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है 2022 में। ठीक है, ये बात, और लेकिन यूरोप लागू करने वाला पहला देश था। ठीक है, आगे क्या है, आगे नंबर सेकेंड, पहले महिलाओं के संबंधित सारा टॉपिक था। जो हमारा अगला चैप्टर है मित्रों, वो बच्चों से मिलता हुआ यानी चाइल्ड सोशलिस्ट में देखना है कि बच्चों से संबंधित टॉपिक है, उसे जरा हम लोग क्या करें, अब समझते हैं और देखते हैं। बच्चों से संबंधित बात है, जरा देखें क्या कह रहा है। सुर्खियों में क्यों है बच्चे बाल श्रम, बाल श्रम अगर हम बात करें तो भारत में बाल श्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे आप आर्टिकल 23-24 में जानते हैं। ठीक है, और आप DPSP में देखते हैं खतरनाक का, उसमें क्या बोलते हैं, फैक्ट्रियों में बच्चे काम नहीं करेंगे, ये हमारे जीवन में ऑलरेडी है। जरा देखें, श्रम और वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय समिति ने बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एक आकलन शीर्षक, कौन सी, बाल श्रम राष्ट्रीय नीति एक आकलन शीर्षक संबंधी रिपोर्ट जारी की। इसमें 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे, इस बात पर क्या किया गया, बल दिया गया। बाल श्रम है क्या, जरा इसे समझते हैं। ILO के अनुसार यानी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिफाइन किया गया है, बाल श्रम को अधिकांशतः ऐसे कार्य या श्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बच्चों का बालपन या बचपन या बाल्यावस्था क्षमता और गरिमा से वंचित करता है, इसे ही हम बाल श्रम के तौर पर डिफाइन करते हैं।
ठीक है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये हानिकारक होता है, ऐसे कार्य संदर्भित करता है जो उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करता है, उन्हें स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है, उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है और उन्हें बाह्य कार्य के बोझ तले स्कूल जाने के लिए विवश करता है। इसे बाल श्रम ILO द्वारा डिफाइन किया गया है। 2011 के डेटा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 1,01,00,000 कामकाजी बच्चे वर्किंग चिल्ड्रेन हैं। ठीक है, भारत में कुल कामकाजी बच्चों का लगभग 55% कितना मित्रों, 55% कहाँ पर, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसी न किसी रोजगार में लगे हुए बच्चे हैं। बाल श्रम सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं जरा इस पर ध्यान दें, तो भारत में बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूपों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों कन्वेंशन 182 और रोजगार न्यूनतम आयु कन्वेंशन 138 का समर्थन किया है। ठीक है, भारत ने इसे अपने यहाँ लागू किया है, इसका मतलब भारत श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक, तो 2011 की गणना देख रहे थे हम लोग, तो क्या था इसमें, 5 से 14 वर्ष के 1,01,00,000 कामकाजी बच्चे हैं, वर्किंग चिल्ड्रेन हैं, जिनका प्रतिशत देखें 55% यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। बाल उन्मूलन के लिए भारत में क्या है जरा उसे समझते हैं, तो बाल उन्मूलन से संबंधी 182 कन्वेंशन 182 और रोजगार न्यूनतम आयु कन्वेंशन 138 का भारत ने क्या किया है, समर्थन किया है ILO का, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है जिसका 182 में रोजगार की न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138 पर भारत ने समर्थन किया है और इसके अंतर्गत बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत सभी व्यवसायों में 14 साल से कम तथा खतरनाक व्यवसायों में प्रक्रियाओं के अनुसार 14 से 18 वर्ष को रोजगार पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी 14 वर्ष तक के कम के बच्चे को आप किसी भी रोजगार में काम नहीं करा सकते हैं और 18 साल तक के बच्चे को खतरनाक रोजगार में काम नहीं करा सकते हैं किसी दूसरा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की गई है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत क्षेत्र की एक योजना है। पेंसिल पोर्टल क्या कह रहा है इसे समझते हैं, यह पोर्टल बाल श्रम के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए मजबूत साधन बन गया है। पेंसिल पोर्टल, ठीक है, क्या बन गया है, बाल श्रम से के बच्चों को बचाने के लिए बहुत मजबूत साधन बन गया है, यानी बाल मजदूरी निषेध कारागार कार्यान्वयन यानी प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ठीक है, इसे पेंसिल कहा गया। इसका प्रबंधन श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन जो था यह गैर एक NGO का संगठन था जिसने 85,000 से अधिक बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए उन्हें शोषण मुक्त कराया है। अब यहीं पर यदि हम अपने संवैधानिक प्रावधानों पर छलक डालें तो अनुच्छेद 21A क्या कह रहा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है आर्टिकल 21A। अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी आंगनबाड़ी का यहाँ पर ही किया गया है। अनुच्छेद 23 के बारे में बात करें तो मानव तस्करी और बालाश्रम पर प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करें जो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने खदान पर काम करने के लिए रोजगार पर नहीं रखा जाएगा, यानी जोखिम भरे कार्य नहीं किए जाएंगे, ये आर्टिकल 24 पर बात की गई है। अनुच्छेद 39 की बारे में अगर हम बात करें, यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति पर बालकों के सुकुमार अवस्था का उपयोग दुरुपयोग ना हो, यानी आर्टिकल 39, 24, 23 और 45 और 21A आपके बाल श्रम से संबंधित हैं और यहाँ पर इनके बारे में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बातें बताई गई हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा अगला क्या है, बाल दत्तक ग्रहण यानी चाइल्ड एडॉप्शन क्या है इसे ज़रा समझते हैं। चाइल्ड एडॉप्शन सुर्खियों में क्यों रहा है इसे ज़रा इस पर देखते हैं ध्यान हम लोग।
सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट ने टेंपल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ में बच्चों के एडॉप्शन पुल को पूल में लाने के लिए एक हेल्पिंग प्रयासों यानी सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया है। टेंपल हीलिंग बनाम भारत संघ बाद क्या है, जरी जरा समझते हैं केस स्टडी को, केस स्टडी को समझिए क्या है ये। भाल देखभाल संस्थान CCLS 24 से अधिक बच्चों को शामिल करके एडॉप्शन पूल को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के संबंध में निम्नलिखित मापदंड पूरे होने चाहिए। यदि उनके माता पिता एक वर्ष से अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हैं, माता पिता या अभिभावक अयोग्य हैं, अयोग्य माता पिता या अभिभावक का तात्पर्य ऐसे माता पिता से है जो पालन पोषण करने में असमर्थ या अनुच्छुक हैं और मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं, ठीक है, ये बात है। दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं ऐसे माता पिता भी शामिल हैं जिन्होंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है या उनकी उपेक्षा की है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये भी इसमें बात की गई है टेंपल हीलिंग बनाम भारत संघ में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए केंद्रशासित में CCI यानी अनाथ प्रत्याग आत्मसमर्पित OAS श्रेणी के बच्चों की पहचान करने हेतु द्विमासिक अभियान शुरू करने की बात यहाँ पर की है। CCI और ऑप्शन एडॉप्टेड सराउंडेड, ठीक। इसके अलावा यदि हम बात करें, सभी राज्यों के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि OAS बच्चों को जिला स्तर पर और चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम यानी क्रिंग्स पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए सभी एडॉप्टेड बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा CCLS में बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी, उचित सुविधा तंत्र आदि शामिल हैं। इन्हें किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत प्रामाण्यता प्राप्त होती है। भारत में गोद लेने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या कह रही है, इसे समझते हैं। भारत में एडॉप्शन में क्या कहा गया है, एडॉप्शन होता क्या है, जैसे आसे उस प्रक्रिया से जिसके माध्यम से गोद लिया बच्चा अपने जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में गोद लिया गया बच्चा गोद लेने वाले माता पिता की वैध संतान बन जाता है। गोद लिए गए बच्चे को एक जैविक बच्चे से जुड़े सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त हो जाती हैं। ये भारत में दत्तक ग्रहण करने की बात है। कानूनी बाध्यता क्या है, इसके समझिए। बच्चों का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि क्या है, हिंदू दत्तक भारण पोषण अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। इसमें क्या किया गया, कहा गया, इसे ज़रा देखते हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यह कानून ऐसे मामलों को शासित करता है जहां हिंदू माता पिता या अभिभावक अपनी संतान किसी अन्य हिंदू माता पिता को गोद लेने के लिए दे सकते हैं। यह कानून ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी भी रूप में धर्म से हिंदू, वीर शैव, लिंगायत, ब्राह्म प्रार्थना या आर समाज के अनुयायी हैं, बौद्ध और जैन या सिख हैं। जे अधिनियम 2015 तथा दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 ये अनाथ, परित्यागता या सौंपे गए बच्चों के रिश्तेदार बच्चों को देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण करने के लिए शासित हैं, ठीक है। हीलिंग के लिए अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, भारत से बच्चों को दत्तक या गोद लेने को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत क्या हैं, इसे जरा समझिए। बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होगा। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक संभव हो बच्चे को उसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रखने का प्रयास किया जाएगा जिससे वह परिचित है। गोद लेने के सभी मामलों को चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम यानी क्रिंग्स पर पंजीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद संस्थागत संरचना क्या है, जरा इसे समझिए। केंद्रीय दत्तक संग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा यह एक संवैधानिक संस्था है जो जे अधिनियम के तहत देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नोडल निकाय के रूप में काम करती है। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी सारा यह कारा का साथ समन्वय में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और गैर संस्थागत देखभाल की निगरानी करने के लिए राज्य की क्या है, स्टेट एडॉप्शन <Adoption. coughs>
स्टेट एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी कारा का के साथ समन्वय और दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और संस्थागत निगरानी के लिए राज्य के नोडल निकाय है। जिला बाल कल्याण समिति राज्यों के लिए प्रत्येक जिले में इनको गठित करना अनिवार्य है। ये देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों को देखती हैं और उनके दत्तक ग्रहण करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करती हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई यह इकाई जिले में अनाथ परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों की पहचान करती हैं और उन्हें देखभाल संस्थाओं के सुपुर्द करती हैं। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी SAA यह बच्चों के दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से संबंधित मान्यता प्राप्त निकाय हैं। अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी AFAA यह मान्यता प्राप्त विदेशी सामाजिक और बाल कल्याण एजेंसी है। ये अपने अपने देश के नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों को देखती है। बात समझे। दूसरी, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ठीक है ने जे अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर 2015 के तहत जघन्य यानी होनियस अपराध की श्रेणी वाले बाल संदिग्धों के आकलन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किया है। अब बालक की परिभाषा जरा इसमें देखिए, बालक की परिभाषा डिफाइन की गई है। इस अधिनियम के तहत बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 18 वर्ष पूर्व की आयु पूरी नहीं की और वर्ष 2015 में इसके एक प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। इस संशोधन से अनुसार 16 से 18 वर्ष की आयु के बालक पर जघन्य अपराधों के मामले में एक वयस्क व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB यह निर्धारित करने के लिए आकलन करता है कि ऐसे बालक पर वयस्क या नाबालिग का मुकदमा चलाया जाए। JJ 2015 और JJ अधिनियम 2021 के बीच की तुलना जरा देखते हैं, क्या तुलना हुई है। दत्तक ग्रहण किशोर अधिनियम 2015 और किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021, एक बार दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM दत्तक ग्रहण का आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरा, बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। DM द्वारा पारित दत्तक ग्रहण के आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश को दिए जाने के 30 दिनों के भीतर डिवीजनल कमिश्नर के समक्ष अपील दायर कर सकता है। तीसरा, अपराधों का वर्गीकरण कैटेगराइज ऑफ ऑफेंसेस किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया कि जघन्य अपराध जिस अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत 7 वर्ष या इससे अधिक का कारावास को दंड दिया जा सकता हो। गंभीर अपराध ऐसे अपराध जिनके लिए 3 से 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान हो। छोटे अपराध ऐसे अपराध जिनके लिए अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो। और 2021 में क्या है, इसमें शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी बाद मैं सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश में प्रभावी करने गंभीर अपराधों को परिभाषित करने परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया है। यहाँ पर दूसरी बात 21 में जिन अपराधों के लिए अधिकतम 7 साल से अधिक की सजा है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर या घोर अपराध माना जाएगा। ठीक है। नामित डिजिग्नेटेड कोर्ट कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष या अधिक का कारावास के दंड का प्रावधान है संज्ञेय या गैर जमानती अपराध होगा। ठीक है। इसके लिए बाल न्यायालय या ट्रायल न्यायालय चलाया जाएगा। ठीक है। अन्य अपराधों जिनमें 7 वर्ष से कम कारावास है उसमें दंड का प्रावधान इसके संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल चलाया जाएगा। होगा क्या, इस अपराध प्रावधान यह किया गया कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों के लिए बाल न्यायालय में ट्रायल चलाया जाएगा 21 में। ठीक है। भारत में बच्चों की तस्करी से संबंधित यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इसके संबंध में जरा देखते हैं क्या बात की गई है। ड्रग्स एंड क्राइम संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODCC ठीक है के ने बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए व्यापक उपायों को लागू करने हेतु 10 सूत्रीय कॉल टू एक्शन को मंजूरी दे दी है।
बच्चों को तस्करी के बारे में, बच्चों को विभिन्न जैसे घरेलू काम, विभिन्न उद्योगों में जबरन बाल श्रम देखने को मिलती है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां, भिक्षा मांगने, अंगों के व्यापार, वाणिज्यिक यौन में भी यह देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB में देखें 2021 में हर 8 बच्चों को तस्करी श्रम, भिक्षावृत्ति और यौन शोषण की गई है। ठीक है, आगे बच्चों की तस्करी से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इसका उद्देश्य मुख्य अनैतिक और देह व्यापार से रोकना है। बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन 1976, कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से शारीरिक शोषण को रोकने के लिए मजदूरी समाप्त करना। मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, जारी मानव अंगों के व्यापार को दंडनीय अपराध। यौन अपराध बच्चों को संरक्षण पॉस्को 2012, इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य संबंधी अपराधों से बचाने के लिए ये प्रावधान मित्रों किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला, सहमति की आयु एज ऑफ कंसर्न क्या है, ये सुर्खियों में क्यों रहा। 22वें विधि आयोग यानी जो अभी हाल ही में 22वां जो आपका लॉ कमीशन बना है, उसने 283वीं रिपोर्ट में यौन संबंध सहमति 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है, 16 वर्ष नहीं किए जाने की सिफारिश की है। यानी यौन संबंध बनाने के लिए जो सहमति ईयर है वो 16 वर्ष न किए जाने की सिफारिश की है। सहमति आयु क्या है, सहमति आयु वह आयु है जिसमें किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से यौन क्रियाएं हेतु सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है। दूसरा, यौन सहमति की न्यूनतम आयु रखने का उद्देश्य किशोरों को यौन शोषण से बचाना है। साथ ही इससे किशोरों के प्रारंभिक यौनिक गतिविधियों के दुष्प्रभाव से भी बचाना है। इससे उचित विकास और अधिकारों का भी संरक्षण होता है। पॉक्सो में क्या है इसके संबंध में जरा इसे देखते हैं। अपराधों में 2012 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में रखा गया है, अतः स्वाभाविक रूप से सहमति की आयु बन गई है। पॉक्सो अधिनियम 2012 को यौन हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील सामग्रियों के अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दूसरा बात, इस अधिनियम के तहत ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट की स्थापना की भी उपबंध किया गया है। तीसरा, यौन संबंधों के लिए सहमति के आयु बढ़ाकर 18 वर्ष करने का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 2013 पॉक्सो अधिनियम के तहत उपबंधित सहमति की आयु मानदंड के अनुरूप बनाने के किया गया है। हालांकि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का अपवाद अभी भी कानून में बना हुआ है, बशर्ते पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक हो। यहाँ ये बात समझने की बात है। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 इस अपवाद की व्याख्या की थी। क्या कहा था, किसी पुरुष या उसकी पत्नी 15 से 18 वर्ष के बीच की है, यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात समझना, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में क्या किया गया है इसको जरा देखते हैं कि बलात्कार की परिभाषा 63 के तहत एक विवाहित महिला के लिए सहमति की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हालांकि BNS की धारा 63 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार रखा गया है। ठीक, ये बात समझना ध्यान से। दूसरी बात, अगला टॉपिक मित्रों हमारा उसे देखना है। अगला टॉपिक है अदर वैल्यूनरेबल सेक्शंस, अन्य क्या महत्वपूर्ण है जरा इन्हें समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो अप्रैल से दिसंबर तक जो टॉपिक्स रहे हैं लाइमलाइट में उनके बारे में समझा। अब हम देखते हैं जो अन्य टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें देखते हैं क्या है। LGBTQ1A+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन LGBTQIA+ rights। क्या कह रहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक
संविधान पीठ ने सुप्रिया @SupriyaChakrabarty बनाम भारत संघवाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह की कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, क्या है इसमें मुद्दे क्या हैं, जरा इसे समझती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विवाह करने का अधिकार, न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना कि भारत में विवाह करने का कोई मौलिक या स्पष्ट अधिकार नहीं है। हेट्रोसेक्सुअल संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है। इन मौजूदा कानूनों में विवाह को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानून भी शामिल हैं। वीकियर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन में प्रवेश करने का अधिकार, इसमें क्या है, न्यायालय ने वीकियर जोड़ों को सिविल यूनियन का विकल्प प्रदान नहीं कर सकता। सरकार ऐसे यूनियन से मिलने वाले किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। सिविल यूनियन एक कानूनी मान्यता है, क्या है इसे जरा समझिए, जो मूल रूप से उन देशों में समलैंगिक जोड़ों को प्रदान की जाती है जहां पर इन्हें कानूनी विवाह की अनुमति नहीं है। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम SMA यानी स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, SMA की व्याख्या करने के लिए जेंडर ट्रायल न्यूट्रल तरीके के से अमान्य करार देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगी और अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। नॉन हेट्रोसेक्सुअल जोड़ों के लिए गोद लेने का अधिकार है, इसमें क्या किया गया है, न्यायालय ने कारा 42 द्वारा वीकियर जोड़ों को गोद लेने से लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। दूसरा, न्यायालय ने कहा कि नियमों को रद्द करने से हानिकारक और विनाशकारी असामान्य प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनका समाधान केवल विधायिका और कार्यपालिका ही कर सकती है। दुनिया भर में क्या है स्थिति LGBT की जरा देखते हैं। वर्तमान में 130 से अधिक देशों में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नीदरलैंड ने 2001 में समलैंगिक विवाह को कानून देने वाला पहला देश बना था। कौन बना था पहला, नीदरलैंड बना था। वर्तमान में दुनिया भर में 30 से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को वैधता दे दी गई है। ठीक है, जरा LGBT को समझते हैं क्या कह रहा है। नालसा बनाम भारत संघ 2014, नॉन बाइनरी समुदाय को अपनी लैंगिक पहचान बताने का संवैधानिक अधिकार है। इस तरह से नॉन बाइनरी समुदाय को मान्यता दी गई। नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में समलैंगिकता संबंधी IPC की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बात समझे, ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, सामाजिक क्षेत्र व में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियाँ 40 में प्रयत्न परियोजना, कौन सी परियोजना मित्रों, प्रयत्न परियोजना का उल्लेख किया गया है। यह राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए आजीविका का उद्यम परीक्षण प्रशिक्षण संबंधी एक कार्यक्रम है। इसमें है क्या इसे समझते हैं। एक उद्देश्य लाभार्थियों के जीवन में बुनियादी गुणवत्ता प्राप्त करने में सहायता करना, साथ ही लाभार्थियों की उद्यमिता कौशल प्रदान करने में मदद करना भी इसका उद्देश्य है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की कार्यकारी समिति ने मंजूरी प्रदान की है। नोडल एजेंसी इस योजना के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE एक नोडल एजेंसी है और क्या है, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र NCDSC के माध्यम से इस परियोजना का संचालन करता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में यदि हम बात करें वो क्या कह रहा है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रभावित करता है जिसकी वर्तमान लैंगिक पहचान उसके जन्म के समय निर्धारित लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाती है। ठीक है, इनमें पुरुष ट्रांस
ट्रांस पुरुष या ट्रांस महिलाएं, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति तथा किन्नर, हिजला जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब ट्रांसजेंडरों के अधिकार क्या हैं 2019 में, इसके बारे में समझिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक लगाई गई है। रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं के वो अधिकारी होंगे, ठीक है। पहचान प्रमाण पत्र कानूनी रूप से तहत खुद से अनुभव किए जाने वाले लिंग पहचान का अधिकार दिया गया है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। शिकायत निवारण तंत्र में अगर हम बात करें, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है। आवास का अधिकार, किसी भी बच्चे के ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा आदेश दिया जा सकता है। तीसरा, शिक्षण संस्थानों का दायित्व, सरकार वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेलकूद और आनंददायक मनोरंजन गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद संबद्ध योजनाएं, कार्यक्रम, विधेयक, परियोजना निर्माण हेतु केंद्र सरकार की सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए शुरू की गई अन्य पहलें स्माइल क्या है, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना है जिसकी दो उप योजनाएँ क्या हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भिक्षावृत्ति के लिए संलग्न व्यक्तियों की व्यापक पुनर्वास योजना। तीसरा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है। दूसरा, इसकी क्या योजना, गरिमा गृह है, यह ट्रांसजेंडर समुदायों को एक आश्रय गृह है, यानी एक स्माइल चल रहा है जो आर्थिक विकास के लिए काम करेगा और दूसरा गरिमा गृह चल रहा है जहां पर समुदाय गृह आराम से रह सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल वेलफेयर में क्या है, जरा इसे देखते हैं। केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुरू किया है, ठीक है, नेशनल। अब जनजातीय गौरव दिवस के बारे में क्या है, जनजातीय समुदाय की स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का उल्लेख करने के लिए 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस दिन किसकी पुण्यतिथि है, बिरसा मुंडा की जन्मजयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम जनमन के बारे में जरा देखें। प्रधानमंत्री विकास मिशन घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई थी और पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी। इसके लिए अगले 3 वर्षों के लिए कुल अनुमानित प्रव्यय 24,104 करोड़ रुपए हैं और इस मिशन में 9 समन्वय और 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों को ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरा, इस मिशन का लक्ष्य PVTGS परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को परिपूर्ण करना है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा स्किल सेल रोग उन्मूलन, TB उन्मूलन, 100% टीकाकरण, PM सुरक्षित मातृत्व योजना, PM मातृ वंदना योजना, PM पोषण आदि को पूर्ण कवरेज भी सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, भारत में जनजाति अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को जनजातियों या जनजाति समुदाय या जनजाति समुदायों के हिस्सों या उनके भीतर के वर्गों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना निर्दिष्ट करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति आबादी 8.6% है, यानी 8.6% अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी लक्षद्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप में है, कितनी, 94.8%। उसके बाद मिजोरम में 94.4%। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक आबादी किसमें है, जनसंख्या की दृष्टि से, वो परसेंटेज की दृष्टि से है मित्रों, और ये जनसंख्या की दृष्टि से है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नोडल मंत्रालय कौन सा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ठीक है। आगे क्या किया जा रहा है, विश्व के
देशज लोगों के लिए मान्य जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व आदिवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस दुनिया भर के देशज यानी मूल निवासी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के संरक्षण हेतु हर साल कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। और भारतीय जनजाति दिवस गौरव दिवस 15 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, 1982 में इसी दिन मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के संरक्षण संबंधी उप आयोग देशज आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। ये बात ध्यान रखना मित्रों, स्टेटमेंटल क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत क्या है, इसको जरा समझते हैं। जनजाति लोगों के विकास उसकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए और बाहरी मूल्यों को थोपने से इस पर क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरा, भूमि जंगल और जनजातीय अधिकार पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, यानी जल जंगल जमीन पर जनजातियों का अधिकार होना चाहिए। जनजाति समूह के प्रशासन और विकास हेतु प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में गवर्नेंस से संबंधित गतिविधियाँ सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। तीसरा, परिणामों का मूल्यांकन केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनमें निहित मानवीय गुणों और मूल्यों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियां यानी स्पेशल संवेदनशील जनजातियों के बारे में यदि हम बात करें, पर्टिकुलरली वैल्यूनेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष श्रेणी है। यूएन डेवर आयोग 1961 में जो बना था उनकी सिफारिशों के आधार पर पहली बार 1973 में आदिम जनजाति समूह, क्या, आदिम जनजाति समूह जिसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के तौर पर हम जानते हैं, की गई थी। ठीक है, और 2006 में इस PTGS का नाम बदलकर PVTGS कर दिया गया है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर वैल्यूनेबल ट्राइबल ग्रुप्स की पहचान के निर्धन आदिम कृषि यानी प्री एग्रीकल्चर प्रणाली का प्रचलन होगा। अन्य जनजातियों की तुलना में साक्षरता का स्तर निम्न होगा, आर्थिक रूप से पिछड़ापन होगा, घटती और स्थिर जनसंख्या होगी इनकी। ठीक है, वर्तमान में 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी हैं, 75, क्या हैं, 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 75 PVTGS हैं। उड़ीसा में PVTGS यानी पर्टिकुलर वैल्यूनेबल ट्राइब्स की संख्या सर्वाधिक 13 है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भारिया, किसे, भारिया और छत्तीसगढ़ में कमार और बेगा जनजाति को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, भारिया, कमार और बेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में कैसी हैं, पर्टिकुलर वैल्यूनेबल ट्राइब्स हैं। ठीक है, और जनजाति कल्याण के लिए इनके उपाय क्या किए जा रहे हैं, इसके जरा देखते हैं। जनजाति कल्याण के लिए उपाय, संवैधानिक प्रावधान, उनका कानूनी और सरकारी परियोजनाएं क्या है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद 244 में क्या कहा गया है, राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाएगा, और ये आपकी शेड्यूल 5 में भी डिफाइन किया गया है। दूसरा, आर्टिकल 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान की बात की गई है 275 में। 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंधित अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना के बारे में 342 में है। ठीक है, दूसरी, 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक, अब यहाँ पर कानूनी उपाय देखते हैं। पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में, ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी आबादी को शोषण से बचाता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, यह वन और निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों की भूमि का स्वामित्व, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इस अनुसूचित जाति और सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए पारित किया गया है। एकलव्य मॉडल क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आदि ग्राम सभा योजना के अंतर्गत बात करें, बड़ी जनजाति आबादी वाले गाँवों को आदर्श गाँवों में बदलने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करने और आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए। प्रधानमंत्री क्षेत्र कल्याण योजना, खनन संबंधी कार्यों को क्षेत्रों के लोगों को कल्याण के लिए। ठीक है,
अगला क्या है, गैर अधिसूचित जनजाति यानी डिनोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं। सुर्खियों में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इदाते आयोग की रिपोर्ट लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया और इस रिपोर्ट में भारत में डिनोटिफाइड घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों को एक स्थायी आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई है। क्या है इसमें जरा बात करते हैं, डिनोटिफाई ये देश में सर्वाधिक कमजोर और वंचित समुदाय हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था इन्हें। ये जनजातियां विषम समूहों के रूप में अलग अलग व्यवसायों में संलग्न हैं। इसमें परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन, कलाबाजी, सपेरा, जादूगर और पशु चराना आदि कहाँ है शामिल है। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1971 यानी आदतन अपराधी अधिनियम 1952 द्वारा निरस्त कर दिया गया था और ये गैर अधिसूचित जनजातियां ST SC OBC सूचियों में शामिल किया गया है। रेन के आयोग 2008 के अनुसार भारत में लगभग 1500 घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियां हैं। 198 गैर अधिसूचित जनजातियां हैं जिनकी कुल जनसंख्या कितनी है, 15 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, अगर हम इन पर डिफाइन करें कि घुमंतु अर्धघुमंती जनजाति क्या है, तो वो जनजातियां हैं अर्धघुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियां नहीं हैं, जनजातियां गैर अनुसूचित जनजातियां नहीं और सभी DNTS घुमंतु जनजातियां हैं। घुमंतु अर्धघुमंतु ऐसी सामाजिक समूह हैं, ठीक है, जो अपनी आजीविका के लिए आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते हैं। हिक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक का एक अर्धघुमंतु जनजाति समूह है। 3 प्रकार के घुमंतु समुदाय हैं, पक्षियों और जानवर के शिकारी, ट्रैपर, आखेटक आदि, जैसे रेडी, चेंचस आदि। ठीक है, तीसरी देहाती समुदाय जैसे पारदी, गुज्जर, बंजारा, भील, कूर्वा, मदुरा आदि। फेरी वाले, भाग्य बताने वाले, कहानीकार, कलाबाज और नाटककार, जैसे घरों में आसपास आप देखते हैं कई लोग हाथ देखकर बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, कई वनोत्पादों को बेचते हैं, कई कलाबाजियां दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यवसायों में लगे हैं। तो ऐसी जनजाति को DNT जनजाति यानी डीनोटिफाइड जनजाति के तौर पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, भारत में गैर अधिसूचित जनजाति समुदाय की 31 अगस्त की तिथि को विमुक्ति जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। DNTS के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, गैर अधिसूचित विमुक्त और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, सरकार ने गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए राज्यवार सूची तैयार करने के लिए इसका गठन किया है। एक जनजातीय आयोग यानी NCDNT बनाया गया है, ये बात ध्यान रखना मित्रों। इस NCDNCNT में छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति दी गई है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य गैर अधिसूचित जनजातियों को शैक्षिक सशक्तिकरण करना है जो SC ST OBC श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। DNTS छात्र छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण हेतु नानाजी देशमुख योजना शुरू की गई है, यह भी केंद्र प्रायोजित योजना है मित्रों और संघ और राज्य सरकार के प्रशासन के माध्यम से संचालित होती है। DNT समुदाय में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना, इस योजना को सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है गैर अधिसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना और परिवारों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। 2019 में गैर अधिसूचित घुमंतु अर्धघुमंतु समुदायों के लिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWDS। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जो दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण का नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्या हैं मुख्य आयुक्त अदालत के निर्णय, आदेश दिया कि देश के सभी सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं है तो उन्हें भूतल या किसी अन्य सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। एक दूसरे मामले में न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश व्यापार कर रही सभी भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों को यह जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करें। ठीक है, अब इसमें जरा एक चीज़ और देख लें, दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त कार्यालय में निशुक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार के संरक्षण की पूर्ण भागीदारी 1995 अधिनियम के तहत की गई थी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने PWD अधिनियम 1995 की जगह ली। RPWD अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसमें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए,
पीडब्ल्यूडी अधिकारों को सुरक्षा के लिए कदम उठाना, ऐसे कार्यक्रम नीतियों को पहचान करना जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम से संगत नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दिव्यांगजनों के लिए 2016 एक्ट क्या है जरा इसे देखिए और कौन कौन से अभियान हैं। आप जानते हैं दिव्यांगजनों के लिए सुगम दिव्यज्ञान, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, दिव्यांग आरक्षण, सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में कम 5% आरक्षण किया गया है यहाँ पर, ठीक है। सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण, ठीक है। यह आरक्षण पुलिस बल के लिए लागू नहीं है। भारतीय पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली और अन्य केंद्र प्रशासित प्रदेशों के पुलिस के लिए, ठीक है, 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। इसमें मानसिक विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित आदि शामिल हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद के पड़ोस के स्कूल या किसी विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा अधिकार दिया गया है। दूसरा, 40% की दिव्यांगता वाले व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर स्कीमों के बारे में बात करें तो सुगम्य भारत स्कीम चल रही है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति है, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID परियोजना लागू की गई है, दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया गया है, दिव्यांग उद्यम रियायतों का ऋण सहायता दिया गया है, दिव्यांगजनों में सहायक उपकरण खरीद के लिए फिटिंग सहायता के लिए परचेज फिटिंग ऑफसेट असिस्ट डिवाइसेस कार्यक्रम है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु सक्षम परिवेश बनाती है, ठीक है। आगे क्या है, दिव्यांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को भागीदारी सुनिश्चित की गई है और मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए निर्णयन के अधिनियम के लिए हर जिले में विशेष न्यायालय का प्रावधान है। कौशल विकास, मनोरंजन संबंधी गतिविधियों को दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिनियम में प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी विशेष अपराधों की सजा का प्रावधान भी यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए किया गया है। अगला, मैनुअल स्पेसिंग क्या है, सुर्खियों में क्यों आया जरा इसे देखते हैं हम लोग, क्या बात कर रहा है मैनुअल स्पेसिंग। सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब देते हुए बताया कि देश में 766 जिलों में 714 जिलों ने खुद को मैनुअल स्पेसिंग यानी मेला ढोने से मुक्त बताया है। मैनुअल स्पेसिंग के बारे में बात करें, सीवियर या सेप्टिक टैंक से मानव मल हाथ से सफाई करना मैनुअल स्पेसिंग कहलाता है, बात समझे, यानी जो मैला ढोते हैं सर पर उनसे संबंधित है। इसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की नियोजन और प्रतिषेध का पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले 2 वर्ष से तक कैद या 1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हाथ से मैला उठाने वाले नियोजन के प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के बारे में बात करते हैं। मैला उठाने वाले होते कौन हैं जरा इन्हें समझिए। अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली या गटर, सीवर या रेलवे पटरी से मानव मल को उठाने हेतु रोजगार पर रखे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को नियमित कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रोजगार नहीं रख सकता। अपवाद, मानव मल का साफ करने के लिए रोजगार पर रखा गया है कोई भी व्यक्ति जो उपयुक्त सुरक्षात्मक यंत्रों उपकरणों की मदद से इस कार्य को संपन्न करता है वह इस कानून के तहत मैला ढोने वाले में शामिल नहीं है। दूसरी, सफाई कर्मचारी कहलाने वाले लोगों को अन्य समूह में कभी कभी हाथ से मैला ढोलाने वाले के रूप में रेखांकित किया जाता है। हालांकि सफाई कर्मचारी शब्द आमतौर पर नगर पालिकाओं, सरकारी या निजी संगठनों में झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यानी हाथ से मैला जो सीधे हाथ से उठाते हैं उन्हें कहा जाएगा मैला ढोने वाला, जो किसी उपकरण की सहायता से उठाते हैं, सीवर लाइन को साफ करते हैं किसी उपकरण, उन्हें मैला ढोने वाला नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है, यह कानून कैसे हाथ से मैला ढोने वाले को प्रतिबंधित करता है।
पहला कदम अस्वच्छ शौचालय के इस्तेमाल को समाप्त करता है, स्थानीय प्राधिकार को प्रबंध को लागू करने के लिए बाध्य करता है, सामुदायिक सूक्ष्म शौचालय के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई है, अतः ऐसे शौचालयों को कार्यात्मक स्वच्छ बनाए रखने के हेतु आवश्यक प्रयास करने चाहिए। यह कानून निम्नलिखित अपराध की वर्णित करता है, अस्वच्छ शौचालय सफाई के लिए लोगों के हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में काम को पर रखना, सुरक्षात्मक यंत्रों के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को काम पर रखना, अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना, इस अधिनियम को लागू होने की निश्चित अवधि के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के प्रयोग के लिए समाप्त या परिवर्तित नहीं करना, हाथ से मैला ढोने वाले लोगों का पुनर्वास, यह कानून हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए नियम और प्रक्रिया को निर्धारित करता है, यह वैकल्पिक रोजगार और प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, संपत्ति खरीदने में सहायता प्रदान करने के माध्यम से किया जाएगा, हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या की पहचान स्थानीय प्राधिकरण, छावनी परिषद, नगरपालिका, रेलवे प्राधिकरण इसको सौंपी गई है। ठीक है, मैनुअल स्क्वीजिंग के लिए शुरू की गई पहले अगर हम बात करें मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेशन के लिए राष्ट्रीय नीति, ठीक है, इसका उद्देश्य हानिकारक सफाई कार्यों में उन्मूलन करना, सीवर और सेप्टिक टैंक को रोकना, उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना। दूसरा, स्वच्छ मोबाइल ऐप की सहायता से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करना, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना का उद्देश्य किसी वैकल्पिक व्यवसाय को चिन्हित करके हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास करना, स्वच्छता उद्यमी की योजना के तहत संबंधी उपकरणों को खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान करना, मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना 100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सेप्टिक टैंकों की सफाई, नालियों की सफाई, कचरा उठाने, ठीक है। दूसरा, यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवासन शहरी मामलों के संयुक्त के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित मित्रों? शिक्षा से संबंधित, इसे देखते हैं। शिक्षा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF अधिनियम 2023। ठीक है, संसद ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF अधिनियम 2023 पारित किया है। इसमें है क्या, जरा इसे समझिए। NRF अधिनियम की स्थापना की गई है ताकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों की शोध की शुरुआत करना और उसे सुगम बनाना, पात्र व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा फीयर रिव्यू प्रस्तावों को वित्त पोषण करना, दूसरा शोध अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करना, पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान को वास्तविक रूप देने के लिए सहायता प्रदान करना, वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में होने पर व्यय और उनके परिणामों को विश्लेषण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आधारित परियोजना को विकसित करना, सर्वाधिक क्षेत्रक अनुद्यमों की सहायता के साथ निजी और स्वास्थ्य परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना, ये हैं इसके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। इस पर एक नज़र देखते हैं, स्थापना करना ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों अनुसंधान, नवाचार, उद्यमता और रणनीतिक दिशा प्रदान की जा सके, प्राकृतिक विज्ञान यानी गणित, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का इंटरफेस, ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके। गवर्निंग बोर्ड क्या है, NRF को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी, साथ ही यह बोर्ड NRF उद्देश्यों को कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। गवर्निंग बोर्ड क्या कह रहा है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पदेन सदस्य नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सदस्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आदि, सदस्य सचिव भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, विभिन्न भारत में अनुसंधानों से संबंधित बढ़ावा देने सरकार की शुरू की गई परियोजनाएँ क्या हैं, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी इम्प्रिंट इंडिया, इम्प्रिंट
इंडिया अपनी तरह की पहली योजना है जो आईआईटी आईआईटीएस साइंस संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी क्षेत्र में वित्त पोषण प्रदान करना। वित्त पोषण प्रदान करना, ठीक है। दूसरी बात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अवसंरचना निधि FIST स्कीम, इसका उद्देश्य कार्य अनुसंधान विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनाएं प्रदान करना। तीसरा, विश्वविद्यालय में अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने या भारतीय विश्वविद्यालयों की शोध क्षमता को मजबूत करने और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है, ठीक है। तीसरा, सर्व पावर, यह योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों साइंस एंड टेक की कार्यक्रमों भीतर विज्ञान इंजीनियरिंग शोध और वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यह भारतीय अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। गवर्निंग बोर्ड अध्यक्ष अग्रलिखित छात्र के संगठनों के नाम और नियुक्त हैं PMSTIAC, ठीक है, प्रधानमंत्री स्टैटिक व्यावसायिक संगठनों या उद्योग मानविकीय सामाजिक विज्ञान संबंधी क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान विकास में लगे संस्थान। गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अधिनियम प्रावधानों को लागू करने के लिए एक सरकारी परिषद का गठन किया करेगा। भारत सरकार का वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रशासनिक विभाग होगा। NRF के लिए फंड कहाँ से आएगा इसको जरा देखते हैं, तो केंद्र सरकार प्राप्त अनुदान ऋण फंड के लिए दिया गया दान, NRF को मिली राशि, निवेश प्राप्त आय और 2008 के अधिनियम के तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष सहित कुल राशि। गवर्निंग बोर्ड अधिनियम का गठन करेगा। NRF कोष वेतन भत्ते प्रशासनिक उद्देश्य के लिए। नवाचार कोष NRF द्वारा समर्थित क्षेत्रों उत्कृष्टता रचनात्मक और वित्त पोषण के लिए 2008 अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी करने के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष। किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए एक या अधिक विशेष प्रयोजन निधि, इस अधिनियम के लिए विज्ञान इंजीनियरिंग बोर्ड को समाप्त कर NRF का विलय कर दिया जाएगा। SERB वैधानिक निकाय था जिसे SERB अधिनियम 2008 के तहत अधिनियमित किया गया था। अनुसंधान NRF मॉडल अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा के लिए इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर रूपरेखा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिचर्चा पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE शुरू की है, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और NCERT ने इसे तैयार किया है। इसमें क्या बात हुई है जरा इसको समझते हैं। शिक्षा शास्त्र के साथ साथ पाठ्यचर्या की भी सकारात्मक बदलाव की बात की गई है और इसकी सहायता से भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप परिवर्तित करना है। स्कूली शिक्षा की डिजाइन के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा 5+3+3+4 यानी आयु के आधार के अनुरूप होगी। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। NCF अंतिम बार 2005 में संशोधित किया गया था। इसका उपयोग करके NCERT पाठ्यपुस्तकों को मौजूदा सेट तैयार किए गए थे, ठीक है। प्रोफेसर के रस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था और इसका कार्य NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना था। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने की सिफारिश की गई है। शिक्षा का उद्देश्य क्या था इसमें जरा सही है। NEP का उद्देश्य सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक पहुँचाना, 30 तक प्री स्कूल माध्यमिक शिक्षा सकल नामांकन बढ़ाकर 100% करना, साथ ही व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा को में 2035 तक बढ़ाकर 50% तक करना इसका उद्देश्य है। NEP के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो नई पाठ्यचर्या शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 मॉडल पर होगी, ठीक है। प्री प्राइमरी स्कूल 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी, ठीक है। वंचित क्षेत्रों के समूहों को अलग लैंगिक समावेशन निधि के विशेष शिक्षा प्रक्षेत्र का बनाया जाएगा। NCERT मुख्य बिंदु पाठ्य कार्यक्रम की रूपरेखा ने इसे 4 चरणों में बताया गया है और ये 4 चरण, पहला 5 वर्षीय, 3 वर्षीय, 3 वर्षीय और 4 वर्षीय है। आयु वर्ग के आधार पर इसमें बुनियादी शिक्षा चरण 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, यानी ये 5 साल के लिए। प्रारंभिक शिक्षा चरण 8 से 11 वर्ष के लिए यानी 3 साल के लिए।
ठीक है, मध्य चरण यानी 11 से 14 ये भी 3 साल के लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जरा ये कौन कौन से चरण में कहाँ कहाँ शिक्षा ली जाएगी जरा ये समझिए। स्कूल की शिक्षा, नई पाठ्यक्रम चर्चा, प्री स्कूल 3 से 12 वर्ष तक के लिए, यानी माध्यमिक चरण जो आएगा 4 वर्ष का होगा, कक्षा 9 से 12 तक, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। 3 वर्ष का 6 से 8 तक, 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष से 3 से 5 तक, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे। ठीक है, फाउंडेशन 2 वर्ष, 1 से 2, 6 से 8, 3 वर्ष। प्री आंगनबाड़ी यानी 3 से 6 वर्ष, यानी ये क्या होगा, बहुस्तरीय खेल गतिविधियाँ, यहाँ पर लर्निंग, आंगनबाड़ी काम, खेल खोज गतिविधि अंदरित इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, तीसरा विज्ञान गणित कला सामाजिक प्रयोगात्मक शिक्षा, ठीक है, और बहुविषयक शिक्षा, अधिक क्रिटिकल और थिंकिंग और लचीलेपन के छात्रों द्वारा विषय संबंध का विकास करना, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माध्यमिक शिक्षा चरण, इसमें क्या है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे यानी बोर्ड परीक्षाएं 10 और 12 के लिए सभी बच्चों के सभी स्कूलों 10 से 12 किसी भी स्कूली वर्ष के दौरान कम से कम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। केवल सबसे बेहतर अंक के परिणाम को शामिल किया जाएगा। इन 2 अवसरों के मुख्य परीक्षा होगी और उनमें सुधार के लिए एक परीक्षा होगी। अध्ययन पैटर्न वार्षिक परीक्षा के बजाय सेमेस्टर डिजाइन पर बनाया जाएगा। ठीक है, बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं, सभी छात्रों कम से कम 3 भाषाओं में निपुण होने चाहिए, इनमें से कम 2 भारत की देशज भाषाएं होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा स्तर का लचीलापन और विकल्प, शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों की विषय, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच जटिल विभाजन नहीं किया जाएगा। छात्र अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि के विषय संयोजन चयन कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, अपने निम्नलिखित 3 अलग अलग कार्यों से जुड़ने पर बल दिया जाएगा। जीवन रूपी रूपों, कृषि पशुपालन से जुड़े कार्य, सामग्री मशीनों से जुड़े कार्य, मानव सेवाओं से संबंधित कार्य, भारतीय मूल पर आधारित प्राचीन और समकालीन समय तक भारतीयों को अलग अलग विषयों के ज्ञान के योगदान दिया है। इस योगदान के लिए सभी विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी लक्ष्यों को एकीकृत किया जाएगा। वैज्ञानिक जांच संबंधी क्षमताएं, विज्ञान संबंधी शिक्षा, मौलिक सिद्धांतों, नियमों आदि के ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ वैज्ञानिक जाँच की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अध्ययन अंतः विषय क्षेत्र, इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए एक अलग विषय के रूप में जारी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर चरणों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया, इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विशेष विषय के रूप में लागू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, एजुकेशन सिस्टम सुर्खियों में क्यों, शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट्स यथा राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, जिलों के बारे में PGI जारी किया है। PGI तथा PGID के बारे में, इसमें क्रमशः राज्य, जिला स्तर स्कूली शिक्षा परिणाम पर प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इन रिपोर्टर्स को तैयार करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली UDISE+ और राष्ट्रीय उपलब्धि NSA 2021 का डाटा लिया गया है। इन रिपोर्ट में केंद्र प्रदर्शित और 10 श्रेणियां वर्गीकृत हैं, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। इनमें दक्ष जो है उच्चतम श्रेणी और आकांक्षी 3 निम्नतम श्रेणी है। ठीक है, 21-22 GDP में 2.0 किया गया है। सर्वप्रथम 17-18 के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए PGI, ठीक है, जारी किया गया था और 2020-21 के लिए ही इसे जारी किया गया था। इंडेक्स की विशेषताएं क्या हैं, इसे समझिए। किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश में उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। PG 2.0 केंद्रशासित प्रदेशों को प्राप्त किया गया। सर्वेश ग्रेड प्रचेष्टा 2 है। केवल 2 केंद्रशासित प्रदेशों अर्थात पंजाब और चंडीगढ़ में प्रचेष्टा 2 ग्रेड प्राप्त है। 3 राज्यों अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 प्राप्त है। विचलन की कमी राज्यों में प्रथम अधिकतम न्यूनतम 23.8% है। यह इस वर्ष का अधिकतम अंतर है, जबकि 17-18 विचलन 51% है था। ठीक है, दूसरा 2021 में 21-22 के लिए PGID इस इंडेक्स के परिणामों को कक्षा प्रभावी संचालन, स्कूली सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्चतम 2 ग्रेड दक्ष और उत्कर्ष श्रेणी के किसी जिले में प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा
भारत में उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन शिक्षा महिलाओं बच्चों युवा खेल संबंधी संसदीय समिति स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा समिति कार्यान्वयन को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और NAP की विशेषताएं क्या हैं, देखिए, नामांकन 50% तक करना, GER यानी ग्रॉस के तहत 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित स्टूडेंट की संख्या की माप की जाती है। स्नातक डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। इसमें अवधि भीतर यथोचित प्रमाण पत्र के साथ निकास के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। पहले वर्ष की समय समाप्ति के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा चौथे वर्ष की समाप्ति के बाद स्नातक की डिग्री के साथ साथ ऑनर्स की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 20 का उद्देश्य 2030 तक प्रत्येक जिले या जिले के निकटतम कम से कम बड़े बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना, 35 तक हाई एजुकेशन सेंटर को अधिकार प्राप्त बोर्ड और गवर्नेंस द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना, 40 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना, व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा का समांकन अनुपात 2018 और 26.3% बढ़ाकर 2035 में 50% करना, 2025 तक स्कूल उच्चतर शिक्षा प्रणाली माध्यम से कम 50% शिक्षित प्रदान करना। ठीक है, आगे क्या है, विभिन्न संस्थानों में अर्जित एकेडमिक क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। समग्र बहुविषयक शिक्षा उच्चतम मानकों के तहत देश भर में बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। IITs और IIMs की तर्ज पर आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। संस्थागत सहयोग के जरिए शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की जाएगी, ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा जहां प्रौद्योगिकी उपयोग और विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान किया जाएगा। इसके स्कूलों उच्चतर शिक्षा दोनों के शिक्षण मूल्यांकन के प्रशासन बेहतर बनाया जा सकेगा। भारत में उच्चतर स्थिति 18 से 23 वर्ष की आयु के उच्चतर शिक्षा को 27.3%, जो कि 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया है। महिला GER 2020-21 27.9 तथा 21-22 में बढ़कर 28.5 हो गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यह टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 की रैंकिंग 108 देशों के 104 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। लगभग 21 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची में जगह मिली है और वर्ष 2023 में की रैंकिंग इस सूची में 75 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु के 201 से 250 रैंक वाले संस्थानों को ब्रैकेट में रखा गया भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में सबसे ऊपर है। 4 भारतीय विश्वविद्यालयों में 501 से 600 बैंक ब्रैकेट में रखा गया, जिनमें शामिल हैं अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और सालनी विश्वविद्यालय। 2024 में रैंकिंग भारत चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। 23 में भारत की श्रेणी छठा। अन्य वैश्विक रैंकिंग ग्लोबल 2023 में सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार ग्लोबल 2000 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दुनिया भर के 2000 से अधिक विश्वविद्यालय रैंकिंग प्राप्त की गई और विश्वविद्यालयों की 4 कारकों पर आधारित हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, नियोजन क्षमता, फैकल्टी गुणवत्ता और अनुसंधान का प्रदर्शन। भारत का प्रदर्शन में भारत के 64 विश्वविद्यालय यहाँ पर शामिल हैं। QS यूनिवर्सिटी इन रैंकिंग में यह रैंकिंग क्वेरेली साइमंड द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग के कुछ संकेतों के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसमें अकादमिक प्रतिष्ठा, नियुक्ता के बीच प्रतिष्ठा, फैकल्टी की ओर रिसर्च की ओर ध्यान दिया जाए। IIT बॉम्बे 149वां स्थान है, डीम्ड बी टू बी यूनिवर्सिटी सुर्खियों में, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC इंस्टीट्यूट ऑफ डीम्ड टू यूनिवर्सिटी 2023 जारी की। क्या है यह है? विनियमन UGC इंस्टीट्यूट फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी अधिनियम 2019 के स्थान पर जारी किए गए हैं। यह विनियमन विश्वविद्यालयों गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता केंद्रित करने, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने, उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने को प्रोत्साहित करेंगे
ठीक है। इसके बाद नए विनियमन की विशेषताएं, 20 साल से कम पुराने अब डीम्ड टू यूनिवर्सिटी दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 2019 के विनियमन के तहत केवल वही उच्च शिक्षण संस्थान डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता था जो कम से कम 20 वर्षों से अधिक समय से संचालन में था। एक से अधिक स्पॉन्सर संगठनों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने में आवेदन कर सकते हैं। DTBUS दर्जा प्राप्त किसी भी विषय के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए इन्हें अपनी कार्यकारी परिषद की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और संवैधानिक परिषद की भी अनुमति प्राप्त करनी होगी। DTBUS संस्थान के अनिवार्य रूप से अपने छात्रों, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की पहचान पत्र करने के साथ ही क्रेडिट स्कोर डिजिटल लॉकर का अपलोड करना होगा। डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में प्रावधान किया गया कि सरकार की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर सकती है और इसके पश्चात संस्थान ने एक विश्वविद्यालय को डीम्ड जाएगा। हालांकि NCERT ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, इसे निम्नलिखित अनुमति देगा। वह अपनी स्वयं स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करना, कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करने, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और इन मामलों का स्वायत्तता प्रदान करेगा। ठीक है, जरा इसे देखें। संस्थान NAAC A ग्रेड होना चाहिए। इसे 3 लगातार चक्रों में कम से कम 3.01 CGPA संचयी औसत ग्रेड प्राप्त हो। संस्थान प्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम 2/3 के लिए लगातार 3 चक्रों में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के लिए प्राप्त होना चाहिए। संस्थान पिछले 3 वर्षों में लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क से विशिष्ट रूप से शामिल किया होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला है, भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का विनियमन। हाल ही में UGC ने भारतीय विदेशी शिक्षा संस्थानों में परिसरों की स्थापना संचालन अधिनियम जारी किया। भारत में विदेशी शिक्षा संस्थानों के कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमति देने के लिए विनियमित अधिसूचित किया गया। वे विनियमित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। वे विनियमित के मुख्य प्रावधान निम्न हैं, मंजूरी लेना, FHSE भारत के प्रचार संस्थानों में प्रोग्राम करने के लिए पहले UGC की मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, FHSS के मापदंड अनुमति नहीं होगी जो भारत के उच्चतर शिक्षा मानकों के अनुसार ना हो। पात्रता का मानदंड क्या है? FHSEIS स्थापित शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों वैश्व रैंकिंग समग्र विषयवार श्रेणी के स्थान प्राप्त हों, विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। शैक्षणिक मान्यता FHSEIS भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली डिग्री डिप्लोमा के मूल देश के स्थित मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्री डिप्लोमा के समान होगी। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी समान स्तर पर होनी चाहिए। FHSEIS ऑनलाइन या ओपन दूरस्थ शिक्षा मोड प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। स्वायत्त FHSEIS निम्नलिखित मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी: प्रवेश प्रक्रिया मानदंड तय करने में, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती करने में, पारदर्शी और उचित शुल्क संरचना तय करने में। प्रतिबंध: परिसर का संचालन भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिक प्रतिकूल तरीके से नहीं किया जा सकेगा। परिसरों में विदेशी स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। ऑडिट: FHSEIS गुणवत्ता का आश्वासन ऑडिट करना होगा और इसकी रिपोर्ट UGC को सौंपनी होगी। FHSEIS निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन प्रमाणित करने हेतु UGC का एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट करना होगा। विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अनुसंधान अधिनियम 2010 प्रासंगिक रूप से लागू होगा। ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, विश्वविद्यालय अनुदान फ्रेमवर्क NFCR पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति के गठन की मंजूरी दी है। समिति सामान्य व्यावसायिक शिक्षा पोषण के राष्ट्रीय क्रेडिट संचय स्थानांतरण फ्रेमवर्क को विकसित करेगी। NCRF विकसित किया गया है और इसको परिषद, ACTI राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद, NCVT, NCERT शिक्षा मंत्रालय, CBSE आदि शामिल हैं। NCRF के लाभ: विद्यार्थी सीखने का लचीलापन, बहुविषयक कौशल, आजीवन सीखने और सक्षम बनाता व्यक्तित्व का समग्र विकास। सरकार छात्रों के नामांकन में वृद्धि, अधिक कौशल और दक्ष कार्यबल दुनिया भर में निवेश को आकर्षित करता है। कुशल दक्ष कार्यबल प्रशिक्षण कार्यबल में बेहतर नवाचार और संभावनाएँ। सरल और समान ऋण व्यवस्था, संस्थानों की आयु वर्ग में स्टूडेंट को अधिक संख्या अनुसंधान और नवाचार पर जोर। ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में: स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक और कौशल के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स के मूल रूप से एकीकृत करने के लिए समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क तैयार। ठीक है,
दूसरा सभी शिक्षा में क्रेडिटाइजेशन और एकीकरण, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, उच्चतर शिक्षा व्यावसायिक कौशल और स्कूली शिक्षा के लिए योग्यता फ्रेमवर्क शामिल होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, यह फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने का प्रयास करेंगे। इससे छात्रों में लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित होगी। यह क्रेडिट सिस्टम अपनाने में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को पालन करने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा। यह विज्ञान, सामाजिक और कला, मानविकी, खेल के लिए व्यापक आधार वाली बहुविषयक शिक्षा सक्षम करने में लिए मार्ग होगा। NCERF की विशेषताएं, क्रेडिट सिस्टम 8 स्तरों में विभाजित करना, 1 से 4 स्तर अंतर्गत होगी, 4.5 से 8 उच्चतर शिक्षा संदर्भित होगी, व्यावसायिक शिक्षा और 1 से 8 स्तर पर अंतर्गत करेगा, अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर पूरा करने में अर्जित क्रेडिट्स में ABC संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रेडिट अर्जित करने में अलग अलग साधन, एक छात्र 3 अलग अलग माध्यमों से क्रेडिट अर्जित कर सकता है, शैक्षणिक पूरी करके, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरकर, उद्योगों से प्राप्त प्रासंगिक अनुभव निवेट करके, अर्जित क्रेडिट एकीकरण के माध्यम से NCQPU, NCEQC, स्कूल, कॉलेजों, व्यावसायिक कौशल शिक्षा और माध्यम से क्रेडिट्स एकीकृत करना, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, यह एक ऐसे से अधिक बार प्रवेश कर बाहर निकलने के विकल्पों को आजीवन सीखने में सक्षम बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र एक छात्र अपने करियर के दौरान किसी भी समय शैक्षिक परितंत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने में फिर भी में सक्षम बनाता है। अनुमानित सीखने के घंटे की अवधारणा यह उस समय संदर्भित करती है जब एक औसत छात्र के सभी कक्षाओं में भाग लेने, परीक्षणों के लिए उपस्थित होने, असाइनमेंट जमा करने की आवश्यकता होती है। स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक कौशल शिक्षा के लिए सांकेतिक शिक्षण घंटे 1200 घंटे वर्ष निर्धारित किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता, एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, स्कूलों को मान्यता के क्या प्रावधान है इसे जरा देख लें। भारत में स्कूल नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्री स्कूल सहित शिक्षा के सभी चरणों के लिए प्रभावी गुणवत्ता स्वनियमन और मान्यता प्रणाली कल्पना करती है। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा एक अलग गुणवत्ता मूल्यांकन आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने में सिफारिश करती है। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड 90 गुणवत्ता स्कूल के प्रत्यायन मानक एक मान्यता प्रदान का पेशकश करता है। NABFT भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। इन मानकों को 3 बुनियादी खंड शामिल हैं, स्कूल प्रशासन, शैक्षणिक समर्थन प्रक्रिया और प्रदर्शन मापन और सुधार। ठीक है, ये तो स्कूल से संबंधित हैं। शिक्षा मंत्रालय ने SCS को मान्यता प्रणाली करने के लिए सुधारों में राधा कृष्णन रिपोर्ट को स्वीकार किया। क्या है, इस समिति ने सौंपे गए मैंडेशन निम्नलिखित हैं, मूल्यवान और मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं को मजबूत करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भविष्य हेतु शिक्षी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना, समिति के सभी सुझाव दिए गए हैं, शैक्षिक प्रणाली के लिए दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए, भले वह राष्ट्रीय प्रत्यायन NAC का गठन के बाद किया जाए। NAC के उच्चतर शिक्षा आयोग SEC के 4 कार्य क्षेत्रों में से एक है। सबसे उच्चतर प्रदाता निकाय होगा जो मान्यता प्राप्त इकोसिस्टम की देखरेख करेगा। भारत में शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में, मान्यता शिक्षा गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु की जाने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान UGC अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, यहां तक कि भी कुछ राज्य दायरे में आएंगे, कई एजेंसियां अधिकृत स्वीकृति मूल्यांकन मान्यता उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी मान्यता प्रणाली सुधार की मुख्य विशेषताएं, समग्र मूल्यांकन प्रणाली प्रभावित की जाएगी, द्विआधारी बाइनरी न्याय प्रणाली बात की जाएगी, समिति गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी 2 प्रभागों प्रस्ताव किए जाएंगे, मान्यता की प्रतीक्षा गैर मान्यता प्राप्त, मेच्योरिटी पर आधारित श्रेणीबद्ध मान्यता, मान्यता प्राप्त संस्थानों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करने और खुद को वैश्विक शीर्ष के बीच स्थापित लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्या, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद क्या है, NAC 1994 में गठित किया, इस गठन स्वयंसेवी संस्थाओं के आंकलन सुविधा किया गया, इसके द्वारा प्रत्यायन अर्थात 5 साल के लिए वैध होगा। भारत में प्रत्यायन से संबंधित प्रमुख संस्थान प्रणालियां, ठीक है, राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें क्या, NIRF, यह शिक्षा मंत्रालय नवंबर 2015 में शुरू किया, 18 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन IAICTE 1945
तक एक सलाहकार निकाय अधिनियम था। यह तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने और तकनीकी संस्थानों के प्रवेश ढांचे को बदलाव में अनुमोदित करता है। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड, इसका आरंभ 1994 में गठित किया गया, हालांकि 13 में AICTE को पूरी तरह स्वतंत्र निकाय में तब्दील कर दिया गया। तकनीकी पेशेवरों को बाहरी कार्यक्रम प्रदान किया गया। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों अगर हम देखें तो क्या है, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के इंडिया रैंकिंग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उच्च संस्थानों के इंडिया रैंकिंग 8वां संस्करण जारी किया। नेशनल इंस्टीट्यूट NIRF पर आधारित है। NIRF मानदंड 5 व्यापक श्रेणियां, शिक्षा अधिगमन और संस्थागत, दूसरा अनुसंधान और व्यावसायिक, स्नातक परिणाम समावेशित, आउटरीच अवधारणा। इंडिया रैंकिंग 2023 में क्या है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र मानक विषय शामिल किया गया है यहाँ पर, ये बात। इंडिया नवाचार रैंकिंग में शामिल अटल रैंकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट AIRF, आर्किटेक्चर दायरे में विस्तार कर इसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग किया गया है। समग्र में IIT मद्रास सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई, ISC बंगलौर को दूसरा स्थान पर है। ठीक है, इस रैंकिंग में शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियुक्त प्रतिष्ठा, फैकल्टी संबंधित हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फॉर फेडरेशन फॉर मेडिकल मान्यता प्राप्त है। विधिक निकाय में एजुकेशनल मेडिकल प्रैक्टिस में निकाय है और विधिक निकाय है NMC 2019 के तहत किया गया। VMC कोऑर्डिनेशन प्रदान करने एजेंसियां हैं। लाभ, इससे भारत में 706 मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई। 10 वर्ष में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेज सुधा मान्यता मिल जाएगी। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफ अधिनियम 2023, दंत चिकित्सा, ठीक है, इसमें क्या है, NNMC अधिनियम 2023, NDC अधिनियम 2023 के उद्देश्य पैरामेडिकल नर्स और मिडवाइफ दंत चिकित्सकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की तर्ज पर पारित यह अधिनियम उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा प्रदान करता है। 2023 में दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग की स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया, देश में दंत चिकित्सा के पेशेवर को विनियमित करेगा। यह नेशनल एग्जिट टेस्ट पर दर्ज दंत चिकित्सकों के लिए एग्जिट टेस्ट प्रावधान किया गया। NNMC अधिनियम नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करेगा। यह एक राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफ आयोग की स्थापना प्रावधान करता है और मिडवाइफरी शिक्षा प्रशिक्षण प्रस्थान नीतियों को नामित करेगा। ठीक है, नर्सिंग मिडवाइफ अधिनियम को समान तंत्र होगा। अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, यह 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है। वर्तमान में भारत में नर्स जनसंख्या अनुपात में केवल 2.06:1000 है, जबकि वैश्विक में 3 है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय MOO डिजिटल आर्टिफिशियल NDAR के तहत विद्या समीक्षा केंद्र की बात कही गई है। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य परिणामों को बेहतर करने, प्रौद्योगिकी की बात करने की बात की गई है। वर्तमान में VS के केंद्र शिक्षण संस्थान परिषद केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भवन में स्थित हैं। ठीक है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन क्या है, ओपन एक्सेस से जुड़ी समस्या का समाधान, निवेश से लाभ उठाना, निजता और सुरक्षा, पब्लिक सेक्टर को रखना, ऐसे डिजाइन विकल्प की व्यवस्था, समक्ष मल्लों में रक्षम, विविधता समावेशन, संघीय लोकतंत्र, अलग अलग परिवेश, संचालित समीकरण, समरूपता। ठीक है, दूसरा BS के विद्या समीकरण, समग्र शिक्षा दायरे में अलग अलग परियोजना गतिविधियों को रियल टाइम निगरानी रखना। ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, सीखने का परिणाम, स्कूल परितंत्र में हितधारकों की शिकायत, राज्य स्तर पर फील्ड स्तरीय शैक्षणिक फील्ड, NDRF इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अनुसंधान शिक्षा परिषद NCERT NCDG के लिए कक्षा 3, 62वीं, 12वीं तक छात्रों को पाठ्यक्रम शैक्षिक सामग्री गठित करना। ठीक है, टीचिंग लर्निंग NCTC के बारे में, इसका कार्य पाठ्यक्रम में प्रशंसित करने के लिए संकीर्ण ठीक है मित्रों, तो ये हमने आज सामाजिक मुद्दों से जुड़े 4 टॉपिक डिस्कस किए। शेष टॉपिक कल अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए, और इसके साथ ही कमेंट और लाइक का बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे साथियों। और इसके साथ ही जो 365 सीरीज़ है वो पूरी अपलोड की जाएगी और पेपर भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।